गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभाय सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये भक्ताहीन अपराध लक्षय कीर्तास्ति कामादि तरंगमग्नय कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे शैव सनातन चरण वंदन जाहाति विघ्न नाश अभीष्ट तमानि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुमितावतारं अपार संसार समुद्र से भजामहे भागवतम स्वरूपम जन्म प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरहतातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदिरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ धरे हो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरि पर जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रकृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सकल श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत बुद्धि साधना का दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रकृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सकल श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण सर्वप्रथम उन्होंने पुतना को मारे। किसको मारे? पुतना को क्यों मारे बोलो? क्या आप याद नहीं बोला? भगवान पुतना को ही क्यों पहले मारे? क्यों बोलो? कौन बोलेगा आपका? इसलिए भगवान शिक्षा देते ही पुतना मतलब पूत मतलब होता है पवित्र और ना मतलब नहीं जो पवित्र नहीं अपवित्र है। अगर कोई ठाकुर जी को अपना हृदय में बैठाना चाहते हो पहले ये अपवित्र गंदगी को पहले हटाओ उसको बाद में ठाकुर जी तुम्हारी दिल में बैठेंगे। जब भगवान पुतना को सबसे पहले मारे नंद बाबा गए हुए थे मथुरा कंस को टैक्स देने के लिए आकर के देखा ये पुतना बड़ी सुंदर सब धज करके आए थे बेटी निकली रास्ते से। नंद बाबा बोले देखो आज से नंद भवन में ऐसे गहरे व्यक्ति को घुसने मत दिया करना एकदम कड़ी पहरादार लगा। इतने में श्री शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए आए प्रभु का दर्शन करने के लिए। बोले प्रभु का सारे लीला तो हमने देखा है लेकिन इनके बाल गोपाल स्वरूप को देखा ही नहीं। जब शंकर जी आए जितना सत्यम शिवम सुंदरम लेकिन इनका नाम तो सत्यम शिवम सुंदरम लेकिन शंकर जी का ऊपर का ड्रेस देखोगे बड़ा अपवित्र है। शंकर जी शरीर में कोई स्नो पाउडर है क्रीम नहीं लगाते
क्या लगाते हैं? बोले बहुति। बोले कहाँ के बहुति? शमशान। बोले पवित्र बहुत नहीं लगाते, क्यों? दुनिया को शिक्षा देते हैं शंकर जी, भैया जिस शरीर को तुम ब्यूटी पार्लर में लेकर इतने बढ़िया सजाते हो, दिन भर उसकी श्रृंगार में लगे रहते हो, इसका परिणाम है तो मुझे राग है, इसलिए गले में हड्डी की माला। बोले क्यों? बोले शरीर का नतीजा भी है हड्डी और कुछ नहीं, इसलिए प्रेम करना है ना, शरीर में इतना प्रेम मत करो, प्रेम कर लो, करना किसको प्रेम करो? भगवान कृष्ण को प्रेम कर, राम को प्रेम करो, तुम्हारी पीड़ा पार हो जाएगी। शंकर जी का अलंकार क्या है? कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात शंकर जी नहीं पहनते हैं, उनका अलंकार क्या है? बोलो कौन बोले हाथ का, क्या उनका अलंकार है? क्या है बोलो? ये सर्प की माला है गले में, हाथों में, कमर में, सांप ही सांप है। मतलब क्या है? ये सर्प कौन है? बोले श्री अनंत देव है। बोले ये अनंत देव कौन है? बोले इनके गुरु है, दुनिया को शिक्षा देते हैं। देखो अगर श्रृंगार पहनना चाहते हो ना, सोने चांदी के श्रृंगार मत पहनना करो, सब निकाल देंगे सब हैं, लेकिन श्रृंगार कर तो गुरु जी की उपदेश को अपना श्रृंगार रूप में धारण कर लो, जिससे तुम्हारी संसार की बंधन नष्ट हो जाएगी। शंकर जी को ऊपर में कौन सा फूल चढ़ता है देखना, कोई चुई बेली चमेली नहीं, धगुरे और आकर जो फूल को कोई भी पेड़ कभी बगीचा में लगा देने, जो जंगल में अपने आप जो होता है उसको ग्रहण करते हैं। बोले क्यों? बढ़िया बढ़िया फूल क्यों नहीं धारण करते हैं? अगर नहीं, जितने अच्छे अच्छे फूल है ना, मेरे प्रभु कृष्ण राम की सेवा नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं तो जंगल में अपने आप जो चीज होगा उसको मैं ग्रहण कर लूंगा। इसलिए संकट की संत है, इसलिए हर समय वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं, लेकिन इस शंकर जी छुपा नहीं सके। बोले क्यों? बोले शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी के पास है। बोलो क्या है? और बोलो शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी के पास में, और जोर से बोलो, और क्या है? कहते शंकर जी की जटा में श्री गंगा माता जी ने, इसलिए सबसे पवित्र वस्तु। बोले श्री गंगा देवी जी। अभी शंकर जी शरीर में सांप बिच्छू जटा जूर धारण करते हुए शंकर जी जब कृष्ण को दर्शन करने के लिए आए, लेकिन वहां पर बड़े बाहर के बच्चों को सब निकाल दो, ये जितने बच्चों को बाहर निकाल दो, एक कुंड मत रखो, वो बच्चा तुम वहीं पर खड़े रहो, कोई भी बच्चों को आने मत देना, वहीं पर तुम खड़े रहो, तुम्हारा ये काम है, इसमें को दो बार बोलना बंद कर दरवाजा, तुम्हारा ये काम है, ये बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करे। हरे कृष्णा। इसलिए जब श्री शंकर जी आए, लेकिन वहां पर चौकीदार बैठा हुआ, हाँ किसी गोपी को चौकीदार रूप में बैठा दिया, बोले खबरदार तेरे गए व्यक्ति को घुसने मत दिया गया। फिर जब शंकर जी आए, शंकर जी बोले मैंने सुना है नंद के एक लाला भयो है। बोले लाला भयो तेरे कहाँ भयो है? बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा थे। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आई थी, वो तो बड़ी सुंदर सद्धज करके आई थी, लेकिन तू तो देखने में बेच कर रहे, तेरे को देख करके मेरी जी घबरा रहा है, सांप पीछू लटक रहा है, जटा जू शरीर में बहुत ही लगा करके हड्डी की माला। बोले बाबा लाला के दर्शन नहीं होगा, अगर कोई भिक्षा लेना चाहते हो ना सोना चाहते लो, अपना रास्ता देखो। उसने जाकर के मैया जसोदा से बोली, बोले मैया कहीं से ये बाबा आया है, वो कहता है लाला को दर्शन करेगा, तू देख कर क्या? मैया को देख कर डर गई। बोले बाबा क्या चाहिए? बोले लाला को दर्शन कराते, बढ़िया आशीर्वाद दूंगो। बोले बाबा लाला खाला दर्शन नहीं होगा, अपना रास्ता देखो, सोना चांदी लो, अपना जाओ, भिक्षा जो लेना। शंकर तो वहीं पर त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए और मैया की कन्या को लेकर घर में छुपा दी। कृष्ण अभी शंकर जी कौन है?
बल्कि भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री शंकर जी हैं। भगवान की सबसे प्यारे भक्त है। अभी शंकर जी बैठ करके ध्यान लगाने लगे, ठाकुर जी मैं बड़ी दूर से आया हूँ तेरे दर्शन करने के लिए, केवल एक झलक दर्शन करा दे मैं प्रसन्न होकर के चला जाऊंगा। अभी कृष्णा शंकर जी को दर्शन करने के लिए बड़ी जोर से रोना प्रारंभ कर दी और जितने थप थप लगाए उतना जोर जोर से रोए, उतना जोर जोर से पूरा परिवार तंग हो गए। बोला आज लाला को क्या हो गया, रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है। एक गोपी ने बोली, बोले मैया वो जो बाबा आया ना वो त्रिशूल गाड़ी में बैठा हुआ, आंख बंद करके लगता है तेरे लाला को पर कोई जादू टोना कर रहा है, वो वहीं पर बैठा हुआ है। अरे भैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी और गले में काला धागा बांध करके ले आई। बोले बाबा ले तू लाला का दर्शन कर। जब एक झलक उन्होंने दर्शन कराया, अभी तक कृष्णा रो रहे थे, इतने में कृष्णा खिलखिला के हंसने लगे और शंकर जी हंस रहे थे, शंकर जी रोना शुरू कर दिया। मैया समझ गई ये बाबा कुछ जानता है, क्योंकि लाला का रोना लेकर के अपना हंसना दे दिया। अगर माताओं को पता चले ना कि बाबा कुछ जानता है, जादू बना हाथ देखना क्या होता है, सब माताएं गिर जाती हैं, बाबा जरा मेरे हाथ देखिए मेरा क्या होने वाला है। अभी सब माताएं सबके साथ घेर गई सबके साथ। इतने में बोले बाबा तेरे कोई जादू बना आता है क्या है। बोले हाँ। बोले एक काम करो, लाला को अपना आशीर्वाद दे दो, लाला के ऊपर में बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले एक काम करोगे ना, कभी तेरे लाला को नजर ही नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले जब जब तेरे लाला को तुम स्नान कराओगे उनका जो चरणामृत है मेरे सर पर डाल देना। कहती गंगा कौन है। बोले भगवान की चरणामृत है। शंकर जी को सबसे प्यारा वस्तु क्या है, क्योंकि बच्चों को कोई हटाने वाले यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर प्रभु जी आप क्या करते हो, यहाँ पर केवल घूमते रहते हो, ये बच्चों को बाहर निकाल दो। इसलिए यदि ये भगवान की जटा में श्री चरणामृत है, इसलिए भगवान को सब ये बच्चों को निकाल प्रभु जी, ये बच्चे कथा नहीं सुनेंगे, सुनने नहीं देंगे, ये बच्चों को यहाँ से हटा दी, बच्चों को यहाँ से प्रभु जी हरे कृष्णा, ये बच्चों को यहाँ से हटा दो, ये बच्चों को हटा जा सकता। बोलो प्रसाद का समय में आए, नहीं तो इन माताओं को बोलो जो जो बच्चे लाए अपना पास में बच्चों को रखे। ये बच्चे किसके बच्चे हैं, ये बच्चे किसके हैं, ये बच्चों को निकाल दो प्रभु यहाँ से। बोलो प्रसाद का समय में आया है, प्रभु जी ये चुप होकर बैठने वाले नहीं है, ये चुप इनको करा ही नहीं सकते हो, एक इनको यहाँ से निकाल दो। बोले प्रसाद का समय पर आ गया, ये काम आपका है, जिसमें को तीसरा बार बोलना नहीं पड़े। प्रभु जी ये चुप बैठेंगे नहीं, ये कभी ये इनको चुप बैठा नहीं सकते हो आप, बोल दो प्रसाद का समय भी ये बच्चे आए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल, आप वहीं पर खड़े रहो, आप वहीं पर खड़े रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री नारायण। इसलिए शंकर जी की जटा में कौन है, ये गंगा है। बोले ये गंगा कौन है, ये ठाकुर जी की चरणामृत। बोले भगवान के सबसे प्यारा वस्तु क्या है, बोले भगवान की चरणामृत है। बोले और कुछ करना पड़ेगा, बोले और एक काम करोगे तो लाला को पर कोई नजर ही नहीं लगेगा। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले जब तुम्हारी लाला को भोजन कराओगे, भोजन को बाद में जो प्रसाद बच जाएगी वो प्रसाद वो ला करके मेरे को दे देना। इसलिए अभी भी श्री नंदगांव में जाओगे वहां पर देखना, शंकर जी अभी भी वहीं पर बैठे। जब जब ठाकुर जी की स्नान कराया जाता है वो चरणामृत शंकर जी के सर पर डालते हैं और भोजन को बाद में फिर ये प्रसाद श्री शंकर जी को मिलता है। इसलिए शंकर जी रोज रोज ठाकुर जी की प्रसाद को सेवा करते हैं।
एक बार हाथ उठा करके बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जोर से बोलो बोले हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए देखो एक चीज को समझो, कभी कभी हम लोग लड्डू हनुमान जी को भोग लगाते हैं। अगर डायरेक्ट कोई भी चीज हनुमान को भोग लगाओगे हनुमान जी कभी ग्रहण नहीं करेंगे। जब राम दरबार लगता है आप लोग बताओ हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं? चरण। जब तक भगवान राम को कोई चीज भोग नहीं लगे और जब तक माता जानकी को भोग नहीं लगता है ना, तब तक हनुमान जी कुछ भी नहीं लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सवा मन की लड्डू लेकर के श्री हनुमान जी को चढ़ाते हैं, कभी कभी उनको मुंह में भी ठोसते हैं। खा क्या हनुमान जी भूखे तुम्हारी लड्डू खाएंगे? एक मन क्या 100 मन भी भोग लगाओगे वो हनुमान जी देखेंगे नहीं उस तरफ में। इसलिए अगर प्रभु राम सीता जी को भोग लग गया ना, फिर हनुमान को देने का जरूरत नहीं, लपक कर खा लेंगे। क्यों? हनुमान जी प्रभु राम की सेवक है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी चीज जैसे शंकर जी को भोले बाबा को कोई भी चीज डायरेक्ट शंकर जी को नहीं लगानी चाहिए। सबसे पहले किसको? भगवान कृष्ण हो राम हो पहले भोग लगाओ, क्योंकि हनुमान जी को और ही शंकर है, शंकर ही हनुमान बन करके आए। फिर जैसे माता देवी कौन है? ये वैष्णवी है, वैष्णव देवी है ना। आप देखना माता देवी के गले में तुलसी करती है। आप लोग कभी गए हो वैष्णव देवी दर्शन किए हो? कौन कौन देते हैं देखना, उनकी गले में ये तुलसी की कंठी है। देखो सुनो, एक समय कोई एक संत माता को दर्शन करने के लिए गए तो जैसे माता जी बोले सवेरे नीचे रुके और सवेरे जाकर के माता जी को दर्शन करेंगे। पहले माता जी को पास में बलि चढ़ती थी, भैंस बकरी ये सब बलि चढ़ती थी। सवेरे देखा हो बड़ी जोर से चीख रहे हैं, मैं बे कर रही थी बकरी और भैंस। वो संत गए थे माता जी को दर्शन करने के लिए, इतने में जब चित्कार सुनाई तब उन्होंने पूछे भैया ऐसे चित्कार कहाँ से आ रहा है? बोले माता देवी को पास में ये बलि चल रही है। वो संत बिगड़ गए, बोले ये माता नहीं ये चंडी है, माता कभी अपना बच्चे का खून पी सकती है, माता कभी अपना बच्चे को खून पी सकती है, वो माता है ना, केवल सभी का माता है ना, अकेला माता थोड़ी है, हमारी भी माता है, भैंस की भी माता है, बकरी की भी माता है। बोले ये माता की ये चट्टी है, ये राक्षस है, हम ऐसे देवी को हम दर्शन करना नहीं चाहते। जितने संतों का टोली था ना, बोले चलो हम इनको दर्शन नहीं करेंगे। वो वहां से जब चल पड़े, इतने में माता देवी जो पुजारी था, पुजारी को स्वप्न दिया, बोले देखो एक संत आए हैं वो दर्शन करने के लिए, लेकिन मेरे पास में बलि चढ़ा रहे हो इसलिए यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये मेरी आदेश है, आज से यहाँ पर कोई बलि नहीं चढ़नी चाहिए। अगर मेरे पास कोई बलि चढ़ा गया था बंस में ध्वंस कर दूं, और वो संतों को बुला करके लाओ और वो संतों को बोलो अपना हाथों से तुलसी की माला लाए, तुलसी कंठी, और मेरे गले में इधर सुना मेरे गले में तुलसी कंठी पहनाए। तब वो संत ने किया कि तुलसी की माला लेकर गए और माता जी के गले में तुलसी माला पहना। तब से इनका नाम हो गया कौन सा, क्या नाम हो गया? वैष्णवी, जैसे हम लोग वैष्णव है इसलिए गले में तुलसी कंठी। आप देखोगे ना वो वैष्णवी माता जी के गले में अभी भी तुलसी कंठी पहने हुए, समझ रहे हो? माता भी स्वयं गले में तुलसी की कंठी पहने, इसलिए हमारी बात छोड़ दो, माता भी गले में कंठी पहनती है। इसलिए कल मैंने बताया था ना कुत्ते दो तरह का है, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जिनकी गले में तुलसी की कंठी वो कौन है? ठाकुर जी की पालतू। और जिनकी गले में कंठी नहीं
आप पालतू ना फालतू हो, यहाँ कितने पालतू और कितने फालतू बैठे हो। इसलिए गले में तुलसी की माला आज तक कुछ माता है आई थी और पालतू बन कर गए थे। एक माता जी आई थी और एक कुछ माता जी सवेरे आई थी और गले में घंटी तुमने भी आई थी, तुम्हें पालतू बनकर दे रही थी। इसलिए गले में तुलसी की घंटी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कोई भी चीज हो, सबसे पहले कृष्ण को भोग लगाओ, राम को भोग लगाओ और जितने सारे देवा देवी हैं, शंकर जी, माता जी, गणेश जी, हनुमान जी, फिर ये प्रसाद सबको लगानी चाहिए। डायरेक्ट कोई चीज भी हनुमान को मत दो, शंकर जी को मत दो, देवी को भी मत दो, सबसे पहले किसको दो? कृष्ण और राम को। वो प्रसाद पर सबको भोग लगानी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अभी कृष्ण एक तीन, जब कृष्ण को 3 महीना हो गया, हठात उसने करवट ले लिया। मैया तो खुश हो गई, लाला के शरीर में ताकत आ गई, लाला आज ने करवट ली, सब ब्रज की गोपियों को नौता दे दी, अपने आंगन को साफ सुथरा कर दी। बोले आज और कृष्ण को स्नान करा के जितने आंगन का जितने दूध दही था बैलगाड़ी के ऊपर रख दी और उस पर नीचे कृष्ण को थोड़ी सी दूर में सुलाई। बोले क्यों? बोले अगर अभी कीर्तन करेंगे ब्रज की गोपियाँ, अगर लाला की कच्चा नींद टूट गया रोएगा, अभी गोपियाँ घर में आएंगी, इसको कह दिया देना क्या देना बहुत सारी काम है, इसलिए दूर में सुला करके यहाँ पर गोपियाँ बैठ करके कीर्तन कर रही थी। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रत काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रत काला, आगो फुल ने आयो नंद लाला, आगो फुल ने आयो शुरू किया, लेकिन मैया लगी हुई है,
और बड़े जोर तोर से कीर्तन हो रही थी, मैया को कान में आवाज ही नहीं गई। कृष्ण रो रो कर थक गए, बोले इतना तो रो लिया, अब कितना रो, अभी तक तो मैया मेरे को ले नहीं जा रही है। अभी कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया कंस को करना की, और कंस ने एक दैत्य भेज दिया जिसका नाम था त्रिणावर्त दैत्य। उनका शरीर नहीं था, क्यों, ये पूर्व जन्म में हिरण्यनाथ का बेटा उत्कच था। एक दिन किसी संत की आश्रम में घुसे, सारे बगीचा को उजाड़ दिया। बोले भगवान इसलिए तेरे को मोटे छोटे बनाए, ठाकुर जी के पाप को उजाड़ने के लिए। बोले जा, तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, जिस शरीर में तुम्हारी इतने अभिमान, तेरे शरीर गायब हो जाएगी। शरीर धीरे धीरे गायब होने लग गया, सारे नशा उतर गई। उसने संत के चरण में गिर पड़े, संत बड़े दयालु होते हैं। बोले ठीक है बेटा, जब कृष्ण द्वापर युग में जन्म लेंगे, इनकी चरण की ठोकर से तेरे कल्याण होगा। और वही त्रिणावर्त भी, वही सकटासुर आ गया। देखा कृष्ण कहाँ पर, बोले बैलगाड़ी पर नीचे, उसका तो शरीर है ही नहीं। सोचा बैलगाड़ी के ऊपर सवार हो जाओ, और दबाते 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 कृष्ण लेट रहे, एकदम दब जाएंगे, खत्म हो जाएगा। इतने में कृष्ण ऊपर में देखा, बोले मामा जी आए, कल से मामा है ना, इनका संबंध सब मामा लगते हैं। कृष्ण अपना चरणों को धीरे 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 चलाया, और उन्होंने ऐसे ठोकर मारे, गाड़ी पलट गई, जितने दूध दही सब के सब बिखर गया। सारे ब्रजवासी भागते भागते आए, आंधी तूफान है ही नहीं, पलटी तो पलटी कैसे, लेकिन सखाओं ने देखा था। बोले भैया भैया कैसे पलट गई पता है, बोले कैसे, बोले लाला की चरने की ठोकर से। मैया मेरे लगता है कान की गोला ज्यादा खा ली, मेरे लाला अभी 3 महीना की है, और इनकी चरण की ठोकर से गाड़ी पलट गई है, मैया को विश्वास नहीं हुई। फिर कृष्णा को मैया वहां से उठा करके ले गई, और कीर्तन को बीच में ले जा दी। अरे गोपिया जब कीर्तन करने लगी, बस कृष्ण खुश हो गए। बोले पहले तो मैं यही चाह रहा था, अगर पहले से मेरे को ले आते तो इतना नटखट थोड़ी करता। देखो यहाँ पर हमारे टीकाकार शिक्षा देते हैं, घर में कोई भी उत्सव हो ना, लेकिन मैया ने क्या की, उत्सव कृष्ण के लिए, सब कुछ कृष्ण के लिए, लेकिन उन्होंने उत्सव से कृष्ण को अलग करके वो बैलगाड़ी को नीचे रख दिया, और घर का जितने सामान बैलगाड़ी को कर दिया। मतलब क्या है, भगवान को तो कर दिया नीचा, और घर का जितने सामग्री उसको कर दिया ऊंचा। मतलब भगवान को उत्सव से निकाल दिया। भगवान ने क्या किया, भगवान ने ऐसे ठोकर मारी, पूरा गाड़ी को सत्यानाश, और जितने दूध दही भी सत्यानाश कर दिए। यहाँ पर शिक्षा देते, देखो माता ध्यान दे, सुनो इतना चीज यहाँ से लेकर जाओ। हम भी यही करते हैं, बच्चे का बर्थडे मनाएंगे, अपना शादी का सालग्रह बनाएंगे, घर में शादी होएगा, सारा दुनिया को बुलाएंगे, पता नहीं कितना बोतल तोड़वाएंगे, कितने जानवर को खत्म करेंगे, लेकिन जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है ना, वो चुपचाप बैठा है। 3 में 2 बार साड़ी बदलाएंगे, लेकिन ठाकुर जी 3 दिन 10 दिन से एक कपड़ा पहन के बैठे। जिसने तुम्हें दुकान बकान घर दिया, बच्चे का बर्थडे है, लेकिन बच्चे के लिए तो नया कपड़ा ले आएंगे, भले जितना जोड़ी हो, लेकिन ठाकुर जी के लिए, बोले है ना ठाकुर को 5-7 जोड़ी है, तुम्हारी कितना साड़ी, देखो अपना अलमारी कितना साड़ी है, तब भी कोई दीवार आ जाए ना पति को पास, नहीं हमें ऐसे साड़ी चाहिए हमें है, नहीं तो मान करके बैठ जाती है। लेकिन ठाकुर जी के लिए कोई चिंता नहीं करते, ठीक है ना, क्या करनी चाहिए, अपना लिए नहीं, सबसे पहले ठाकुर जी के लिए लाओ, अपना बेटे के लिए नहीं, सबसे बड़ा बेटा कृष्ण है, पहले देखो कृष्ण के लिए है कि नहीं, अपना बेटे के लिए नहीं। बेटा क्या करेगा, 2 दिन बाद में लिखाओगे पढ़ाओगे, घर में बहू आ जाएगी ना, एक रात में ऐसे कान में मंत्र लगी, दूसरे दिन देखोगे बेटा का बुद्धि खराब है, बुद्धि खराब है जिस बेटे को तुम इतने करोगे, समझ रहे हो, इसलिए पहले बेटे के लिए मत करो, पहले करना तो खाना के लिए, कृष्ण के लिए सबसे पहले देखो है। जैसे द्रौपदी भगवान की कभी अंगुल कट गई तो वहां पर कृष्ण की 16108 पटरानियां थी, और जो साड़ी पहनी हुई थी ना, सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम, करोड़ों करोड़ रुपया थी, वहां पर द्रौपदी भी खड़ी हुई। अगर अंगुल कट गया तो क्या करोगे, बैंडेज करोगे,
लेकिन रानियां सोच रही हैं इतने चिपते साड़ी को फाड़ते कैसे, लेकिन वहां पर द्रौपदी भी थी। द्रौपदी अपना साड़ी को प्रति नजर नहीं दिया, मैंने कान्हा को प्रति नजर दिया, भगवान का अपमान कर दिया, कृष्ण को सामने उसने साड़ी को फाड़ दी, इतने कीमती साड़ी को फाड़ दी और भगवान का हाथ में बैंडेज कर दी। कृष्ण ऋणी हो गए, बोले द्रौपदी तुमने अपना साड़ी नहीं देखी, तुमने मेरी अंगूठी नहीं देखी। कृष्ण सोच रहे हैं कब समय आए इसका ऋणी मैं कब उतारू, इसका ऋणी मैं कब उतारू। जब हरि सभा में लाज जा रही थी भगवान स्वयं साड़ी बनकर के प्रकट हो गए। 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं हुआ। दुनिया देख रहे थे साड़ी की नारी, ना नारी भी थी कोई साड़ी है, समझ रहे हो। लेकिन ये दुनिया कैसे जानते हो, बोले कि आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा खत्म, आप कैसे नहीं तुम कौन हो, फिर आप नहीं फिर बोले तुम कौन हो, समझ रहे हो। इसलिए करना तो किसके लिए करो, कान्हा के लिए करो, उनके लिए करो। मैंने उदाहरण दिया था ना, जैसे अपना शरीर को सजाओ, बढ़िया से सजाओ और शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना शरीर को जैसे सजाओगे ना जो परछाई अपने आप सज जाती है, परछाई को सजाने का जरूरत नहीं। उसी तरह आप जितने सुंदर कृष्ण को स्नान करोगे रोज रोज, उनको स्नान कराना, तिलक लगाना, कपड़ा उनको बदलाना रोज, उनकी जितनी अच्छी सेवा करोगे ना, देखना कृष्ण अगर खुश हो गए, जहाँ पर कृपा हरि की हुई तहाँ पर कृपा हरे सब कोई। अगर कृष्ण खुश हो गए ना दुनिया खुश, अगर कृष्ण अगर नाराज हो जाए ना दुनिया में खुश हो गए, कुछ कर नहीं पाएगी तुम्हारे, कुछ भी करने वाले नहीं। इसलिए खुश किसको करो, उत्सव में पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, जितने खाना बनाए हो बगैर प्याज लहसुन के बनाओ, सबसे पहले देखो कान्हा को भोग लगाने ही, दुनिया को मत देखा करो, दुनिया को मत देखा करो, देखो कृष्ण खुश हुए थे। अगर दुनिया नाराज होगा तो तुम्हें कुछ कुछ भी देने वाले नहीं, अगर कृष्ण अगर खुश हो गया ना सब कुछ देने वाले वही। इसलिए खुश नहीं तो भगवान क्या कहते हैं, ऐसे ठोकर मारूंगा जैसे बैलगाड़ी के ऊपर में जितने सब था दूध दही सब उन्हें तसलस कर दिया। कृष्ण कहते अगर मेरी सेवा करोगे ना फलते फूलते रहोगे, अगर तुम मेरी सेवा नहीं करोगे फिर तो ऐसे ठोकर मारूंगा पूरा तसलस कर दूंगा संसार को, सारे बिखर जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। इसलिए पहले भगवान के लिए करो। और एक चीज समझो, जैसे बच्चों का सालक ग्रह में तो शादी हो रही है, इसमें याद रखना किसको शराब मत पिलाया करो, मांस मछली मत पिलाया करो, बच्चे का बर्थडे हो, देखो एक संत कह रहे थे बुरा मत समझो, अगर किस बच्चे का बर्थडे में अगर तुम किसको शराब पिलाओगे बोतल तोड़वाओगे, अगर उनको मांस मछली खिलाओगे, अगर इतने जीव हत्या करोगे, इतने पाप कर्म करोगे, वो पाप कर्म किसको लगेगा, जिस बच्चे के उद्देश्य में कर रहे हो वो सारे बच्चे के ऊपर पाप आएगी। वो संत कह रहे थे अगर उसका 100 साल जिंदा है ना झट 50 साल उतरा है, उसी दिन 50 साल में उसका उम्र आ जाए, क्यों, उसकी उद्देश्य में तुमने इतने पाप कर्म करवाया। इसलिए क्या करनी चाहिए, ये सब गंदी चीज कभी भी व्यवहार नहीं करनी चाहिए। देखो आप बुरा मत मानना, हमारे गुरु जी कहते थे आप बुरा मत समझो, गुरु जी कहते थे जिसको रोड में एक भिखारी देख रहे हो और एक पैसा के लिए बिलबिला रहा है, बाबू एक पैसा दे दो, बाबू एक पैसा दे दो, भैया उसने ऐसे कौन सा पाप कर्म किया जो रोड में बैठी गया और लक्ष्मी के लिए तरस रही है। हम कहते हैं ना लक्ष्मी की कृपा नहीं, तब तो पैसा नहीं आती, लक्ष्मी इसको पर नाराज क्यों हो गई, वो रोड में भिखारी में मर गया एक पैसा के लिए, वो क्यों तरस रहा है एक पैसा दे दो एक पैसा दे दो, क्यों लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है। गुरु जी कहते थे पहले जन्म में वो व्यक्ति करोड़पति था, करोड़पति माँ लक्ष्मी पर आए लेकिन लक्ष्मी को उसने गलत काम में लगाया, मांस खरीद दिया, लक्ष्मी पैसा दिया ना, लक्ष्मी किसका है, नारायण का लक्ष्मी,
अगर उसको तुमने शराब खरीदी करोगे, उसको मांस खरीदी करोगे, अगर प्याज लहसुन खरीदी करोगे। लक्ष्मी खुश होगी, बोले जो कुछ करना कर ले, अभी जीवन में रोड का भिखारी बना लूंगी, वहीं पर बैठी रहना, तरस रहना, तेरे पास समय नहीं आऊंगी। इसलिए घर में जो खाना बने बगैर प्याज लहसुन के बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। लक्ष्मी ठाकुर जी को सेवा में लगी, फिर लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी, फिर घर में खूब शांति सुख रहेगा। इसलिए आप लोग तो मांस मछली खाते ही नहीं, अंडा खाते ही नहीं, एक चीज ये क्या है, हाँ कम से कम इतने चीज को घर से फेंक निकालो, ठाकुर को भोग लगाओ। बात देखना, घर में ही घर तुम्हारी वैकुंठ बन जाएगा, घर तुम्हारी बोलो को वृंदावन बन जाएगा। ठीक है, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अभी कृष्णा और जब धीरे धीरे कृष्णा बड़े हुए हैं और कृष्णा बड़े नटखट है, अगर आग को देखे कृष्णा पकड़ने के लिए जाए, मैया वहां से बचा है, कोई तलवार को देखे उसको पकड़ने के लिए जाए, मैया वहां से बचा करके लाए, किसी बछड़े को देखे उसको पूछ पकड़ ले और वो बछड़े को पीछे कृष्ण लटक रहे हैं और पूरा बछड़े को घुमा देते हैं। कृष्णा ऐसे ही बचपन में बड़ी नटखट कर रहे थे। एक दिन कृष्णा और बलदेव प्रभु सोचे, भैया जब जब हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आ पड़ती है, मैया हमारे गोमूत्र और गोबर से हमें स्नान कराती है। ये गोमूत्र गोबर में है क्या चीज, ये हमें क्यों उसमें स्नान कराती है। एक दिन वहां पर कुछ गैया बंधे हुए थे, कृष्णा बलराम दोनों उसके अंदर में गए, जितने गोमूत्र गैया था ना सारा शरीर में पोत करके बैठे। मैया देखी ये दुष्ट गए कहां, यही तो बैठे थे। बोले भगवान बलुआ तुम दोनों कहाँ हो, बोले मैया हम यहाँ पर। बोले वहां क्या कर रहे हो, देखा सारे कीचड़ गोबर में सने हुए, दोनों को कान पकड़ लिए। बोले जीवरे, बोले तुम सुकर अस्थि गत भूतनारे, क्या तुम दोनों पूर्व जन्म में सुअर थे, किंतु सुअर ही कीचड़ में लौट पड़ गए। कृष्णा ऐसे सारे हिला रहे थे, बोले भैया पूर्व जन्म में तो हम सुअर थे, लेकिन तेरे को कैसे पता चला, क्योंकि पूर्व जन्म में भगवान सत्यजीत में बराह, ये बराह बता सुअर का पता है, लेकिन तेरे को कैसे पता चला हम सुअर थे, हैं। फिर मैया ने दोनों को लाए और उनको स्नान कराया, फिर उनको श्रृंगार करवाए। भगवान यहाँ पर गोमूत्र और जो गोबर की महिमा को दिखा रहे थे, इसलिए गोबर और जो गोमूत्र है ना पृथ्वी का सबसे ज्यादा मेडिसिन उसी में। इसलिए ब्रह्मा जी जब उन्होंने गैया को सृष्टि की, उन्होंने 33 करोड़ देवता को उसमें स्थान दे दिया, लेकिन उसी समय लक्ष्मी और सरस्वती को पता नहीं चला। इनको पता चला कि इन्होंने एक ऐसे ब्रह्मा जी प्राणी को सृष्टि किया जिसमें 33 करोड़ देवता। अभी लक्ष्मी सरस्वती दोनों ब्रह्मा जी को आप सुनाए, बोले पिताजी हम तो वंचित हो गए, हमें भी कहीं स्थान दे दो गैया भी। बोले कोई स्थान नहीं, सारे घर के आए। बोले देखो तो कोई स्थान होगा, कहीं भी स्थान दे तो हम रुक जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले हाँ, दो जगह तो बाकी है, एक मित्र है और एक विष्टा, उनके एक विष्टा और एक मित्र है, वहां पर बैठोगे, बोले वहीं पर बैठ जाए। इसलिए गैया के मित्र और विष्टा में कौन बैठे, लक्ष्मी सरस्वती का निवास। अभी साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके गोमूत्र से इतने सारे मेडिसिनों को निकालते हैं, और गोबर से हमारे मंदिर में एक बाबा को भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट, अभी वो गोबर से साबुन बनाते हैं, गोबर से घर में जो दिया धूप जलती है धूप बनाते हैं, और गोमूत्र से इतने तरह का मेडिसिन निकालते हैं। इसलिए प्रभु गोमूत्र गोबर की महिमा ठाकुर जी दिखाए। जब कृष्ण बलराम और थोड़ी बड़े हुए, एक दिन नंद बाबा कृष्ण बलराम को दोनों को गोद में बैठा करके कढ़ी चावल खा रहे थे,
खाते समय एक और तो दाऊ भैया को खिलाए, एक और कृष्ण को और एक और खिलाए, एक नंद बाबा का हरी पीरी और चावलों को अंदर में छुपा कर रखे थे, और ये दोनों को नजर बचाते हुए कभी निकाल करके एक बार काट कर खा लेते हुए छुपा देते। इतने में कृष्ण ने देखा पिताजी कोई चीज हमें हमारी नजर से बचाते हुए एक बार खा देते और छुपा देते चावल, लगता है कोई बढ़िया चीज होगा जो हम दोनों भैया को नहीं दे रहा है। इतने में कृष्ण ताऊ भैया को बोले, ताऊ किस तरह से बोले थे, पिताजी कोई चीज हमसे छुपा छुपा कर खा रहे, लगता है कोई बढ़िया चीज होगा, तुम खा करके देखो। तो ताऊ बोले, कन्हैया ये नटखट का मेरो नहीं, नटखट का मेरो तू करके दे। इतने में कृष्णा पिताजी की नजर बचाते हुए उन्होंने मिर्च को उन्होंने निकाले और सोचा कोई बढ़िया चीज होगा, एकदम पूरा के पूरा उन्होंने मुंह में भर दिया, और जब मिर्च खाने लगे तो बड़ा तेज था और कृष्ण का मुंह जलना शुरू हो गया और कृष्ण नाचना शुरू हो गया। तब से नंद बाबा सोचे, आज से जिंदगी में और कभी मिर्च नहीं खाऊंगा, इसलिए आप लोग बड़े बड़े मंदिर में जाओ, जो पहले पहले पुराना मंदिर ना, जगन्नाथ मंदिर में जाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, आप देखोगे कई मंदिर में ठाकुर को मिर्च बहुत मिलता। क्यों? ठाकुर जी मक्खन खाते ही और ठाकुर का मुंह कितने कोमल है, पर ठाकुर जी लाल मिर्च कैसे खाएंगे। तब से जितने बड़े मंदिर में जाओगे ना, वहां पर कभी नहीं देखोगे ठाकुर को मिर्च नहीं बोलोगे। कृष्णा कभी और धीरे धीरे कृष्णा बड़े हो रहे हैं। जब कृष्णा बड़े हुए, एक दिन कृष्णा माँ के साथ बात कर रहे थे। हर माता को पता है मेरे बेटे कितने दूध पीने पर पेट भर जाए, लेकिन आज कृष्ण इतने दूध पी रहे थे, मैया को लग रहा था लाला तो दूध पीना बंद ही नहीं कर रहा है, अगर ज्यादा बच्चा दूध पीना मेरे पेट पतला हो जाता है, मैया डर रहे थे उसका पेट पतला नहीं हो जाए, दूध पीना बंद ही नहीं कर रहा है। इतने कर रहे थे, इतने में कृष्ण थोड़ी सी जंभाई लिए तो इतनी छोटी सी मुंह में विश्व ब्रह्मांड बोलने देखा, सारा दुनिया को देखा। मैया ने सोचा, भैया मैं क्या अलाई बलाई देख रहे हैं, मेरे लाला को तुमको अंदर विश्व ब्रह्मांड है। मैया को डरते हुए आंख बंद कर दी, आंख बंद करके फिर देखती है ना, वहां कुछ भी नहीं है, हैं? इसलिए कृष्ण ने कहा, देख माता तू ये सोच रही हो तेरे दूध को मैं अकेला पीता हूँ, नहीं माँ, देख ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड करेंगे, तेरे दूध से मैं अकेले नहीं पल रहा हूँ, तेरे दूध से विश्व ब्रह्मांड पल रहे हैं। और तू सोच रहे हो कि जो पुतना सकटासुर और त्रिनावर्त आ गए, तू जो सोच रहे हो, भैया चिंता मत करो, भैया बहुत डरी हुई थी, पता नहीं बिना कारण के कारण ये दैत्य लोग क्यों मेरे लाला के पीछे पड़ गए। बोले भैया मैं तेरे लाला साधारण नहीं, देख ले ये विश्व ब्रह्मांड मेरे में, इसलिए डरने का कोई बात नहीं। एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट चले गए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, जो जो ब्रज में आए ना, सबके सब एक चीज की प्रार्थना करे, राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। इसलिए रसखान कहते हैं, ब्रज में जाओ जरूर दो काम करना। बोले दो काम क्या है? बोले रमन रेती लेट नहीं कियो ना जमुना पान, रे मन तू क्या समझे ब्रज के तत्वमान। ब्रज में जाकर दो काम करना, क्या करना है? एक तो श्री जमुना नदी की आचमन लेनी चाहिए, क्योंकि जो यमुना है वो कोई साधारण पानी नहीं। इसलिए बराह पुराण में बताए, ये बराह पुराण में सख्यात बराह देव पृथ्वी को कह रहे हैं, बोले पृथ्वी ये गंगा की जितने महिमा है, ये यमुना की उससे 100 गुण ज्यादा महिमा गंगा से ये यमुना की। गंगा में नहाने का जो फल है, अगर यमुना को स्मरण कर लोगे ना, तुम्हें वही फल की प्राप्ति होगी। इसलिए बोले चिदानंद भानो सदानंद सुनो परम प्रेम गात्री लखा अघा नाम लगत्री। कभी जो यमुना है क्या चीज, बोले राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के पानी रूप में बहती है, कभी यमुना पड़ रहा है। ये यमुना निकली कहाँ से? बोले एक समय कृष्ण अपना राग अपना भजन को सुने,
जब उसने भगवान के शरीर से पसीना निकली प्रेम से पसीना निकली तो भैया जसोदा कृष्ण को मोटी मोटी ताजल लगा कर रखी थी। अभी वो पसीना ताजल में लग रही तो हो गई काली। फिर उनको मध्य स्थल को बह कर दिए उनके चरणों को स्पर्श करते हुए जब ये बहती है ये कौन है वैसे जमुना पटरानी जमुना महारानी की। इसलिए जमुना में और जमुना तक ना काली 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 में क्यों बोले कृष्ण कृष्ण काले हैं। इसलिए कृष्ण चिंतन करते 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 उन्होंने ये काली बन गई सी जमुना। इसलिए कहते क्या करनी चाहिए ब्रज में जा करके जमुना में जरूर स्नान करो और आचमन करो और क्या करो बोले रमण रीति ले बने जरूर रमण रीति में वहाँ लौट को जरूर खानी चाहिए। क्यों कल बता रहे थे ना प्रभु जी ने तिलक क्या है वो रमण रीति में नारद जी यही ब्रज रज को लेकर के द्वारका भी गए भगवान को स्नान कराया गया और जहाँ स्नान किया ना वहीं से ही ये मिट्टी देखना इसका कोई अलग रंग है ये मिट्टी है नारद ये मिट्टी ऐसे रंग कहीं नहीं मिलेगा केवल आपको द्वारका से मिलेगा। ये नारद जी लेकर गए थे और भगवान स्नान की और वहीं से ये मिट्टी आती है और जो तिलक है ध्यान से सुनो अच्छे तरह से सुन लो ये तिलक की कितने महिमा जो तिलक है हम एक जगह पर नहीं लगाते हैं तिलों को बारह जगह पर लगाते हैं कितने जगह पर लगाते हैं बारह एक यहाँ पर एक पेट में एक बच्चे में कंठ में इधर 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 और इधर बारह जगह पर तिलक लगाते हैं। ये भगवान के बारह नाम है जैसे ये तिलक का नाम किया माँ जसोदा कृष्ण को रोज ये तिलक लगाते रोज माँ जसोदा मंत्र को साथ में ये जो ललाट में तिलक इसका नाम केशव देव अगर यहाँ तिलक लगाओगे ना भगवान केशव देव का निवास हो गया तुम्हारे सर को पर कोई विपत्ति नहीं आएगी उदय में नारायण बख्य माधव कंठे गोपी तब मतलब जैसे कर्ण का शरीर में कवच होता था जब तक कवच रहेगा उसको कोई मार नहीं सकते कि उसी तरह ये तिलक की जितनी महिमा अगर आप तिलक लगाकर नहीं जाओगे ना तुम्हारे शरीर में कोई भूत पिशाच डाकी साकी है उल्टा पुल्टा कोई ग्रह तुम्हारे ऊपर में कभी आक्रमण नहीं करेगा शरीर तुम्हारी रक्षा हो रही। देखो आपको सही घटना सुनाता हूँ ये नोएडा में ये कोई बात मत करो पीछे बात कौन कर रहे हरि बोल बात मत करो पीछे जो बात करते हैं उनको बाहर निकालो। इसलिए कहते नोएडा में हमारे कोई भक्त थे अभी एक माता जी की छोटी सी बच्ची थी जिसका उम्र थी 2 साल उसकी माँ भी तिलक लगाती थी और उसने बच्चे को भी तिलक लगा लेती थी। अभी वो रहते थे 6 मंजिल ऊपर वो बच्ची का उम्र थी तो 2 साल उसने वहीं पर नीचे झांक करके देख रही थी वहाँ दीवार था छोटी बच्ची थी वो नीचे झांक करके देख रही थी झांक करके देखते देखते उसने वहीं से उसने गिरी तो बताओ 6 मंजिल ऊपर में अगर 2 साल की कोई बच्ची गिरी गई तो क्या होगा बताओ शत्रु हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसको ये तिलक लगा कर रख दिया लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ बच्ची कभी नहीं था बढ़िया से ये तिलक इतने महत्व हैं नहीं तो भगवान कृष्ण क्यों तिलक लगा राम क्यों जगन्नाथ जी को क्यों तिलक लगा। और एक घटना सुनाओ मैं रसिया जाता हूँ इसको बाद में मैं रसिया जाऊँगा मैं रसिया प्रचार करने के लिए जाता हूँ। एक माता जी थी जिसको भूत पिशाच दिखती थी रात को नींद नहीं आती थी पेट में बच्चा दिखता नहीं था। जब मैंने भैया मेरे को बताया बोले बाबा मेरे को तो रात में बड़े बड़े दैत्य लोग रात से भूत पिशाच दिखती है रात को नींद नहीं आती मेरे आँख लाल लाल पड़ जाती है मैंने बहुत कुछ कर लिया कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा एक काम करो आप तिलक लगा तिलक लगा करके आज सवेरे जो लोग आए थे ना आपको मैंने इतने पेपर दिया है कैसे सारे तीर्थों का आह्वान करना गंगे जल जमुने चैव गोदावरी सरस्वती कैसे तीर्थों का आह्वान करोगे वो पानी को कैसे 3 बार सर पर छिड़काओगे मतलब सारे तीर्थ में हमारे नहाना हो गया माधव आय नमो केशव आय नमो नारायण आय नमो
आचमन करनी चाहिए। सवेरे आई थी ना, कौन कौन सवेरे आई थी, कुछ कुछ माताएं आई थी और उसमें लला के केशवाय नमो उदय नारायण भक्त के माधव इसको स्थापन करना, इतना अगर काम कर लोगे ना, मैंने कहा इतना तुम काम करो। जब से उसने इतना काम की, कोई भूत पिशाच नहीं, उसकी पेट में बच्चे नहीं टिकते थे। मैं जब दूसरा साल गया हूँ, देखा उसके बच्चा बुला लिया, फिर वो बच्चा का नाम मैंने राधा काम, तो बच्चे का नाम मैंने राधा काम को रखा। इसलिए तिलक इतने महत्व, जैसे माता है जो सधवा है, स्नान करने के बाद क्या करती हो, मांग भरती हो, सिंदूर लगाती हो, बगैर सिंदूर मांग भरे हुए पति को सामने नहीं जाती है। क्यों, ये स्वाहा के लक्षण, पति की दीर्घायु जस के लिए माता धारण करती है। भैया जगत पति के लिए कहते ना, ऐसे बल को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए। हर जीवन में मांग भरते हैं, सिंदूर लगाते हैं, शंका पहनते हैं, लेकिन हर जीवन में शंका टूट जाती, मांग मिट जाती, सिंदूर मिट जाती हर जन्म में। क्यों, हम असली पति को हमने पति नहीं माने हैं, नकली पति को हम पति माने हैं। हर जीवन में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कब तक ये मिटेगी और टूटेगी, जब तक श्री वाक्य बिहारी जी को अपना पति रूप में नहीं मानते हो। अगर ये तिलक धारण कर लिया ना, इसका मतलब क्या है, कृष्ण आज हमारी प्रियतम बन गए। ये तिलक धारण करोगे ना, मृत्यु के बाद में कृष्ण सीता अपना धाम में स्थान दे हैं। कहते हैं ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, पर भरी और गोपाल जो सोचो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए आओ मेरी सखिया मुझे, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे सुंदर की टोपी बना दो। ये तिलक है ना, जो गले में कंठी और तिलक पहनेंगे ना, कृष्ण अपने आप ग्रहण कर लेंगे। समय जाती मेरी गोपी है, लेकिन अगर तुम्हारे गले में कंठी नहीं, ये तिलक नहीं, जितने तुम बोलते रहो मैं तेरा और ते मेरा, कृष्ण बोले तेरे से कोई मतलब हमारे नहीं। जब दुनिया पति के लिए इतना मांग सिंदूर भरी हो, मेरे लिए तुमने क्या धारण की हो, कोई चिन्ह है तुम्हारे अंदर? कोई कोई बोलते है ना, अरे तिलक कंठी पहनने का दुनिया को थोड़ी दिखाने का। देखो जैसे बच्चा जब स्कूल जाता है वो यूनिफॉर्म ड्रेस पहनता ही नहीं, पढ़ाई को साथ में यूनिफॉर्म ड्रेस का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यूनिफॉर्म ड्रेस नहीं पहनेगा तो स्कूल घुसने नहीं देगा उसको, पढ़ेगा तो बाद में। एक पुलिस वो अपना ड्रेस पहनता ही नहीं, जब एक जज ये तो वकील कोर्ट में जाते हैं वो अपना कोट पहन कर ही जाता है, ये तो घुसने नहीं देंगे उसको, घुसने नहीं देंगे। जैसे आप स्त्रियाँ एक सिंदूर मांग तो लगाए हो, अंदर में रखो ना पति को, दुनिया को मुंह दिखाते हो, अंदर में रखो ना उसको, नहीं बाहर निकाल कर दिखाते हो। जब नकल पति को दिखा सकते हो, असली पति के लिए क्या तुम्हारी बात चिन्ह, कंठी तिलक जरूर होनी चाहिए, नहीं तो भगवान किसी हालत में भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो प्रभु जी बता रहे थे ना, ठाकुर को जितने भोग लगाओ, अगर उसमें तुलसी पता नहीं दिया ना, ठाकुर ग्रहण नहीं करते हैं। जब तक गले में तुम्हारी तुलसी कटी नहीं, तब तक तुम ठाकुर के लिए कोई खाना बना ही नहीं सकते, तुम ठाकुर को भोग ही नहीं करा सकते। क्योंकि जो शरीर है बोले पंच रचित, ये अधम शरीर, ये अधम शरीर है, इसमें केवल टाटी बेसा खून पी और कुछ है नहीं, शरीर में कुछ है नहीं। आप सवेरे उठ कर देखना, मुंह में बदबू, नाक में बदबू, आंख में बदबू, नीचे तो बदबू बदबू निकलती है, पसीना में देखो शरीर से बदबू ही बदबू निकलती, कुछ है नहीं। लेकिन जब गले में तुलसी कंठी पहन लेते हैं, ये शरीर ठाकुर को समर्पित हो गई। फिर जिनकी गले में तुलसी कंठी नहीं, वो ठाकुर के लिए कोई भी रोसे भी नहीं बना सकते हो, ठाकुर को तुम खाना भी भोग नहीं लगा सकते। जब तुलसी पहनोगे तब शरीर पवित्र होगा, फिर ठाकुर जी के लिए कुछ बना सकती हो, ठाकुर को खिला सकती हो, ठीक है ना? क्या करना बोलो, अब फालतू बने ना, फालतू बने नहीं, हाँ इसलिए फालतू नहीं, हमें ठाकुर जी की कट्टी पहन करके ठाकुर जी के पालतू बना है। और एक दिन ये बागपत, जब बागपत कैसे होना, पूरा बागपत वृंदावन धाम बन जाए और घर घर भगवान की धाम बन जाए,
जिस घर में बच्चे भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वो घर नहीं, वो घर भगवान का धाम है, वो घर भगवान की धाम बन जाती है। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 सोच रहे हैं भैया ब्रज में जो आए ना वो एक ही चीज बोले क्या ब्रज धूल ही मिल जाए। भैया ब्रज धूल में है क्या चीज, क्यों सारा दुनिया कहते ब्रज धूल मिल जाए। एक श्री कृष्ण सखाओं को साथ में खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट में गए और ठाकुर जी मिट्टी खा ली। सखाओं ने मना की लेकिन कृष्ण माने ही नहीं, फिर भैया को शिकायत करती, भैया को सीता गड्ढा लगा और कृष्ण का सीता कान खोल गए, पूरे घर में कोई मक्खन में से क्या कभी तुमने मिट्टी खाई। कृष्ण तो एकदम सफेद झूठ बोल दिए, बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले ये सखा लोग जो बोल रहे हैं, बोले सब झूठ बोलते हैं मैया। बोले आज क्या हुआ तेरे को पता, बोले क्या हुआ, बोले ये सखा लोग अपना अपना घर से लड्डू कचौड़ी मांग कर चोरी चोरी कर खिलाते हैं और हमें कहते तू खाया कर। मैया तेरे को पता मैं चोरी का चीज कभी खाता ही नहीं और ये हमें जोर जबरदस्ती करते हैं और हमने खाई नहीं। सखा को तो पता चला ये तो घर में जाकर चुगली कर देगा और हम चुगली करने से पहले हमसे पहले इसने जाकर के चुगली हमारी नाम पर कर दी। लेकिन हर माता को अपना बच्चा का कर्तव्य पता है। बोले ये दाऊ भैया क्या झूठ बोलता है, बोला ये भी झूठ बोलता है, ये भी सखाओं का साथ में लिया है। बोले भैया ये जो दाऊ है ना ऊपर में तो लगते हैं बड़े गोरो हैं लेकिन अंदर में काले हैं, लेकिन ऊपर में तो काला हूँ लेकिन भैया अंदर में बड़ा गोरो हूँ। बोले मतलब क्या है, आप ब्रज में जाओ ना जितने भी पलते प्रभु वैसे गोरे हैं लेकिन ब्रज में कहीं भी गोरे नहीं देखोगे, हर जगह पर देखोगे बलदेव काले हैं। क्यों, वो कृष्णा चिंता करते करते काले हो गए, इसलिए कहते ऊपर में तो गोरे लेकिन अंदर में वो काले। क्यों, अंदर में कृष्ण को चिंता करते हैं, कहते मैं ऊपर में तो काला हूँ अंदर में गोरा हूँ। बोले क्यों, बोले मैं राधा रानी की चिंता करता हूँ, राधा रानी मेरी आत्मा श्री राधा रानी। इतने में कृष्ण ने कहा देख भैया अगर मैंने मिट्टी खाया तो मुंह से तो गया। बोले हाँ, बोले तो मेरे मुंह खोल कर देख ले। कृष्ण ये सोच रहे थे अगर मैं मैया को ये बात बोलू ना मैया विश्वास करेगी, लेकिन मैया कहाँ विश्वास करने वाली, उनको पता कृष्ण बड़े नटखट है। इतने में मैया ने धमकी लगाई, बोले मुंह खोल में देखना चाहता हूँ। इतने में कृष्ण डर गए और इनकी मुंह खुल गई। जब इनकी मुंह खोल गई अभी कृष्ण तो मिट्टी खाए थे, अभी मुंह में थोड़ी बहुत मिट्टी है, थोड़ी बहुत अभी मिट्टी है। इतने में कृष्ण की जो माया ने देखा, अगर मैया देख लिया मुंह में मिट्टी, एक हाथ में डंडा भी है और डंडा नीचे नहीं गिरेगा, डंडा कहाँ गिरेगा, पीठ के ऊपर में। इतने में इनकी इच्छा शक्ति जोग माया ने उनकी छोटी सी मुंह में अनंत कोटिश्वर ब्रह्मांड को दिखा दिया। मैया खुद को खुद देख रही थी, उसकी अंदर में मैया भी बैठी हुई है। फिर मैया डरते हुए आंख बंद कर दी, आंख बंद करते ही कृष्ण सारे अंतर ध्यान कर दिए। बोले क्यों अंतर ध्यान कर दिए, आंखें को ध्यान दिया सुना, अभी मैया को जो विश्वास होने लग गया हो ना हो मेरे लाला तो भगवान नहीं। अभी इतने जब मानने लग गए, कृष्ण ने सोचा क्या सोचा, अगर मैया को पता चले मैं भगवान हूँ, जैसे घर में सालग्राम है, मैया क्या करती छोटी सी मंदिर बनाई और कभी लड्डू थोड़ी दूध भोग लगा करके और घंटा हिला करके बोले तुम्हें माता च पिता तुम्हें क्या करती, दरवाजा बंद कर देती, मेरे लिए भी एक मंदिर बनाएगी और मेरे को भी अंदर में बंद कर देती।
पर सखाओं के साथ में जो खेलता हूँ मेरा सारे खेलना दुखा बंद हो जाएगा। कृष्ण जब घर गए ना फिर इनकी इच्छा शक्ति जो माया सब कुछ अंदर ध्यान कर दी। देखा वही छोटा सा मुंह और कुछ है। देखो आप लोग बताओ कृष्ण मिट्टी खाएंगे कि नहीं? बोला खाए कि नहीं? बताओ कृष्ण मिट्टी खाएंगे कि नहीं? फिर कृष्ण यहाँ झूठ कैसे बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई? दुनिया बोलेगा क्या भगवान जब झूठ बोले कोई दोष नहीं, जब हम झूठ बोले सब दोष है? दुनिया ये बोलेगा ना है। इसलिए यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग कहते हैं अरे नहीं कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि भागवत ने बताए बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी सत्य। ये 33 करोड़ देवता कहते हैं भगवान स्वयं सत्य स्वरूप है, पहले भी सत्य अभी भी सत्य बाद में भी सत्य रहेंगे, वो सनातन भगवान। अगर वो अगर झूठ बोला दुनिया झूठ हो जाएगा, इसलिए भगवान कभी झूठ नहीं बोले। लेकिन जो मिट्टी खा के जो मना कर दिए झूठ बोल दिए, तब यहाँ पर दो उदाहरण देते समझाए। पहला उदाहरण दिए बोले खाना किसको कहते हैं? बोले हमसे जब कोई चीज अलग हो उसको खाना कहते हैं। कृष्ण ने देखा भैया बोले देख भैया ये विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर में फिर मैंने खाया था, हमसे तो कोई चीज बाहर ही नहीं। दूसरा अर्थ बताए कि ये शब्दों को जब अलग करते थे ना वो जाता है ना अहम मैं नहीं मिट्टी खाई, लेकिन शब्द के जब एक करते हो होता है ब्रह्मांड नाम का मतलब होता है ब्रह्मांड। बोले भैया तुम मिट्टी की क्या बात करती हो, ये विश्व ब्रह्मांड को मैंने खा कर रखा है। इसलिए आज भगवान ने ब्रज रज की महिमा दिखाई। बोले माँ ये जो ब्रज रज है ना मैं अकेला थोड़ी खाया हूँ, देख ये विश्व ब्रह्मांड को मैंने ये ब्रज रज को मैंने दिया, सबके सबको मैंने ये ब्रज रज दिया, सबके सब ब्रज रज के लिए तरसते हैं ब्रह्मा इंद्र चंद्र सबके सब। बोले श्री ब्रह्मांड बिहारी भगवान की जय जय श्री राम। एक भजन सुन बोलो ब्रह्मांड बिहारी राम की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। कि अंग ही अंग जुड़ाव जड़े और शीश बदी पगिया जड़ता मोती निमाल ये लटके अर लटुआ लटके लट घूमर मारी कि पूरब पुण्यन तेरस था ये माधुरी मूरतियाँ निहारी चारों दिशा के महाअभिनाशत जुग जात धरुखा में बाके बिहारी कि ब्रज धूरी ही प्राण से प्यार लगे ब्रज मंडल मोही बसाए रहो रसिकों के सुसंग में मस्त रहो जग जान से मोही बचाए नित झाकी ये झाकी नित पाकी ये झाकी निहारा करो छवि छाक सोनाथ छकाए रहो अहो वाक्य बिहारी यही विनती मेरे नैनों में नैना मेरे नैनों में नैना मिलाए रहो।
Oh, yeah.
उल्टा करके ताली बजा कर गाए प्रेम से, प्रेम से बोलो जिले में और पूरा ये जिले के अंदर में जो 12 क्लास में ना इसमें पूरा पूरा ये फर्स्ट नंबर लाई है। इसका जो नंबर है 98% इसका नंबर लाई पूरा ये बागपत में। इसलिए आप तो आशीर्वाद दो। ये किसके लिए तैयार कर रहे हैं? आई एस के लिए तैयार कर रहे हैं। आप लोग सभी विद्यार्थी आशीर्वाद दो और आई एस बने और बनते काम की सेवा करें, ठीक है ना? जनता की सेवा करिए। अब तो पक्का बन गई, पक्का बन गया, तो गुरुदेव बस क्या बन गई बस। बस श्री वृंदावन श्री हरि हरि की जय। श्री हरि प्रभु जी अभी आपको एकादश के ऊपर अच्छी कथा सुनाएंगे। देखो सुन, एक चीज को समझो, जैसे कोई एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है ना, ध्यान देकर सुनो, जब क्लास फाइव में आता है फिर बच्चों को मतलब देख, बच्चा अगर क्लास फाइव को अगर तुमने पास कर गया, पास बड़ा पार है, बच्चा क्या करता है ध्यान देकर सुनो, क्लास फाइव में बढ़िया नंबर लाने की कोशिश करता है। अभी क्लास फाइव उसका खत्म हो गया, फिर उसको बोलते हैं बोले भैया सारा दुनिया क्लास फाइव को पास करते, तुमने कौन सा बड़ी बारी काम किया? क्लास जो टेंथ है ना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्लास टेंथ को बढ़िया नंबर लाए तो बस काम बन जाएगा, बच्चा जी जान लगा देता है।
बढ़िया नंबर से क्लास 10 पास कर लिया फिर घर में क्या कहते हैं भैया सारा दुनिया 10 में तो पास कर दे तुमने कौन सा बड़ी बड़ी काम जो 12th है ना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको बाद में कौन सा सब्जेक्ट लोगे फिर तो सब्जेक्ट चुनना पड़ता है क्लास 12 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पर बच्चा क्या करता है क्लास 12 के लिए पूरा जी जान लगा देता है किसी तरह से क्लास 12 हमारी बढ़िया नंबर आ जाए अभी क्लास 12 पास कर लिया बढ़िया नंबर से फिर क्या कहते हैं भैया दुनिया तो क्लास 12 को कौन नहीं पास करता है अब तो कोई सब्जेक्ट को चुनो सीए ना इंजीनियर ना डॉक्टर बने अभी कोई सब्जेक्ट को चुनो जब कोई सब्जेक्ट को पढ़ लेता है सीए इंजीनियर डॉक्टर जो कुछ आईसीआर जो कुछ कर लो उसको बाद में कर लेता है बोले भैया दुनिया करता है तुमने कौन सा बढ़िया काम किया अब तो बढ़िया नौकरी ढूंढो इसलिए तुमने ये सब पढ़ाई किया नौकरी के लिए ना अभी तो बढ़िया नौकरी ढूंढो अभी उसने बढ़िया नौकरी कर दिया बढ़िया अच्छी नौकरी मिली थी बोले भैया सारा दुनिया नौकरी करते तुमने कौन सा भाई काम कर लिया अभी तो शादी करो अभी क्या करो इतने पढ़ाई लिखाई क्यों किए शादी के लिए नहीं बढ़िया घर मिल जाए बढ़िया दुकान वकान मिल जाए तभी तो इतने लिखाई पढ़ाई करते हो ना बोले दुनिया नौकरी करते हो शादी करो अभी शादी होगी बढ़िया करेगा फिर क्या कहते हैं बोले दुनिया शादी करते हो बच्चे तो देने दो दुनिया शादी करते हो बच्चे तो देने दो अभी बच्चे जन्म दे दिया बच्चा जन्म होने का बाद फिर कहते हैं भैया सारा दुनिया बच्चे जन्म देते हैं सारा दुनिया बच्चे जन्म देते हैं अभी तो बच्चे को बड़ा करो अभी बच्चे को बड़ा बना दिया बोले दुनिया बच्चे जन्म देते बड़ा करके उसका भी शादी करवाओ फिर उसको बाद में बच्चे का शादी करवाता है बोले भैया दुनिया बच्चे को शादी कर पर नाती पोती होनी चाहिए नाती पोती होनी चाहिए जब उसने ये सारे काम कर लेता है ध्यान देकर सुना जब ये सारे काम कर लेता है फिर जब शरीर छूट जाती है ना जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं बताओ तो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं क्या बोलते यही बोलते हैं ना राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है सत्य बोलो गद्य है सब कोई बात होता है तो देख बेटा तुमने जब क्लास 5 किया वो भी झूठा था जब क्लास 10 पास किया वो भी झूठा था जब क्लास 12 किया ये भी झूठा थी जब तुमने इंजीनियरिंग डॉक्टर किया ये भी झूठा था तुमने जो नौकरी चाकरी किया ये भी झूठा था तुमने जो शादी किया ये भी झूठा था तुमने जो बच्चे जन्म दिया ये भी झूठा था तुमने जो बच्चों को पढ़ाया लिखा था वो भी झूठा था पर सच्चा क्या था राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोलो गद्य है सब कोई बात झूठा है जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम दिया ना केवल तेरे साथ में वही जा रहा है और तुमने जो कुछ किया है ना केवल तुमने झूठे में जीवन दिया है पत्नी कहाँ से जाएगी रो रो कर दरवाजा तक उसको आगे नहीं जाएगा परिवार कहाँ जाएंगे शमशान तक जाएंगे उससे आगे कोई नहीं जाने वाले हैं आगे क्या जाएगा बायो जी मैंने राम रतन धन पायो भैया जब राम रतन धन पायो जीवन में तो अभी से क्यों शुरू नहीं कर रहे हो अभी से झूठे को पीछे क्यों लगे हुए हो सच्चा को पीछे क्यों नहीं लगे हुए हो इसलिए सवेरे उठकर क्या करनी चाहिए हमारे गुरु जी कहते 100 काम छोड़ करके भोजन करो 1000 काम छोड़ करके काम करो और करोड़ों काम छोड़ करके भजन करो क्यों तुम्हारे साथ में वही जाने वाला और दुनिया कोई जाने वाले नहीं इसलिए सवेरे उठकर क्या करो सारे काम को छोड़ो छोड़ करके माला को लिए हो लेकर के सवेरे प्रभु का नाम जप करो इसी धन में अगर धनी हो गई ना बस इसलिए विरा करती है ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाम गली गली राम नाम के हीरे बती और जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए और माया के जो बनी हुई जाती वो एक दिन कंगाल हुए भैया जब कंगाल क्यों बन रहे हो असली धन को लूटो ना इसलिए क्या करनी चाहिए सवेरे उठ करके सबसे पहले भगवान के नाम जप भगवान की नाम की जप करनी चाहिए ठीक है ना एक बार हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम
एकादशी को ऊपर में कुछ कथा सुनाएंगे, एकादशी क्या है, कैसे करनी चाहिए, कौन सा भक्त लोग एकादशी व्रत रखते थे, ये भागवत में कैसे श्री अपरिश महाराज की कथा, कैसे एकादशी व्रत रखते थे कथा सुनाएंगे। आज एकादशी कौन कौन रखते हो, हाथ उठाओ, कौन कौन एकादशी व्रत रखते हैं, करी करी भक्त लोग ने एकादशी व्रत रखे, बहुत अच्छी बात है। सब बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे 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 हरे। अभी महाराज जी ने जिस बच्ची को सुंदर तरीके से यहाँ बुलाकर उसको अभिवादन किया, उनके पिताजी विनोद गुप्ता जी के लिए भी जोरदार तालियां, उन्होंने इस बच्ची को बहुत पढ़ाई में हर प्रकार से उसका हर तरीके से ध्यान रखता। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरान्तस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात श्री शिक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत शरद गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंड ज्ञापन करते हुए वृंदावन से आए श्री भक्त के चरणों में एवं बागपत एवं बड़ोद के भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करते हुए आज एकादशी तिथि के पवित्र पर्व को मनाते हुए हम सब एकत्रित हुए हैं। आज श्रीमद् भागवत का छठा दिन है। कुछ लोगों को थोड़ा भ्रम हो गया है क्योंकि न्यूज में गलत न्यूज आ गई थी कि आज आखिरी दिन है। आज श्रीमद् भागवत का आखिरी दिन नहीं है, कल आखिरी दिन होगा। आप सबसे निवेदन है आप सब कल फिर शाम को जरूर उपस्थित हों, यहाँ पर सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। महाराज जी का आदेश हुआ एकादशी कौन कौन लोग रखते थे और किस प्रकार से वो एकादशी को एक भक्ति का सुंदर अंग मानते हुए इसका पालन करते हुए और अपने साथियों के साथ साथ इसका भजन किया करते थे। हमारे भारतवर्ष में एक नहीं अनेक ऐसे महाराज हुए, ऐसे राजा हुए जिन्होंने एकादशी तिथि रखी और खुद ही नहीं रखी, साथ में अपनी प्रजा को भी एकादशी का व्रत रखवाया। उनमें से एक अभी महाराज जी ने कहा अम्बरीश महाराज, बोलो अम्बरीश महाराज की जय। अम्बरीश महाराज ऐसे संत राजा हुए, हमारे पूरे पृथ्वी के सम्राट हुए जिनका नाम हुआ अम्बरीश महाराज, और हमेशा निरंतर भगवान की अपने समस्त 11 इंद्रियों से उनकी सेवा किया करते थे। ऋषिकेश, भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, इसमें ऋषिकेश का अर्थ हुआ जो इंद्रियों के स्वामी है, और हमें अपनी इंद्रियों से भगवान ऋषिकेश की सेवा करनी चाहिए। ये सुंदर उदाहरण अम्बरीश महाराज की कथा में मिलता है। अम्बरीश महाराज अपने हाथों से भगवान का सुंदर मंदिर उहारते थे, झाड़ू लगाते थे और भगवान की सुंदर तरीके से श्रृंगार इत्यादि किया करते थे, अर्चन किया करते थे। नाग से भगवान के चरण कमल में जो तुलसी दल और पुष्प हुआ करता था उसको सूंघते थे और चरणों से तीर्थ में जाया करते थे, मंदिर के परिक्रमा किया करते थे और हाथों से मार्जन इत्यादि और पूरे शरीर से साष्टांग प्रणाम करके भगवान को अपना आत्मनिवेदन कर दिया करते थे। ऐसे अम्बरीश महाराज उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से बताया कि हर इंद्री से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज इतने बड़े भक्त हुए कि ज्ञानी योगी और भक्त लोग उनका सब आदर किया करते थे। वो मथुरा नगरी के ही राजा हुए। एक बार एकादशी वो समस्त एकादशियों को निर्जला रखते थे,
और एकादशी के अगले दिन जब द्वादशी होती थी तो समस्त भक्त ज्ञानी योगी इत्यादि वहां पर आते थे और अम्बरीश महाराज उनका बड़ा सुंदर तरीके से अभिवादन करके सबको वहां पर भगवान को भोग लगा करके महाप्रसाद वितरण किया करते थे। सब एक साथ बैठकर पारण किया करते थे। पारण का मतलब भगवान को भोग लगा करके व्रत को खोलना, उसको पारण बोलते हैं। तो अम्बरीश महाराज पारण समस्त ऋषि मुनि भक्त ज्ञानी योगी इत्यादि सबको कतार में बिठा कर सुंदर तरीके से पंगत में बिठा करके सबको महाप्रसाद पवा करके फिर पाते थे। तो एक बार उनके यश से कुछ लोग ऐसे जो ज्ञानी लोग होते हैं भक्तों को कुछ मानते नहीं, कुछ ऐसे ही ज्ञानी जो दुर्वासा ऋषि हुए जो भगवान शंकर के ही अंश से प्रकट हैं उनको साथ लेके चले कि देखें कि अम्बरीश महाराज किस प्रकार से समस्त ऋषि मुनि योगी इत्यादि का सम्मान करते हैं। तो वहां जाकर के जब द्वादशी में सब प्रकट हुए तो पारण का समय अभी आधा घंटे बाद ही खत्म होने वाला था और अम्बरीश महाराज ने वहां पर कतार संगत पंगत पे बिठाकर सबको महाप्रसाद वितरण करना शुरू किया। और तभी यहाँ पर दुर्वासा मुनि के साथ ये और ज्ञानी लोग यहाँ प्रकट हो गए। तो दुर्वासा मुनि को देखते ही अम्बरीश महाराज ने उनका स्वागत किया और वो साष्टांग प्रणाम करके बड़े आदर सत्कार के साथ उनको विराजमान कराने की चेष्टा की। लेकिन दुर्वासा मुनि ने कहा, देखो अभी हम बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं, अभी हम यमुना जी में स्नान आदि करेंगे, तत्पश्चात महाप्रसाद पाएंगे, तब तक तुम व्यवस्था देखो। तो यहाँ दुर्वासा मुनि यमुना जी में स्नान करने चले गए और स्नान करने के अंतर ही उनकी योग में समाधि लग गई, जल के अंदर ही समाधि में बैठ गए। यहाँ पर समय निकला जा रहा है, अम्बरीश महाराज व्याकुल हो रहे हैं कि पारण का समय हमने बताया था कल भी, पारण का अगर समय निकल जाए तो एकादशी का व्रत खंडित हो जाता है, मतलब जो आपने पूरा एकादशी का व्रत रखा और पारण के समय में उसको पारण नहीं किया तो वो निष्फल हो जाता है। तो इसको देखते हुए अम्बरीश महाराज बड़े व्याकुल हो रहे थे कि अभी तक दुर्वासा मुनि नहीं आए और उनको अभी महाप्रसाद दिए बिना मैं पारण नहीं कर सकता। तो और वहां पर जो भक्त और ब्राह्मण लोग थे उनसे परामर्श किया गया कि देखिए दुर्वासा ऋषि अभी नहीं आए तो क्या करना चाहिए। वहां कुछ ब्राह्मणों और भक्तों ने उनको सलाह दी, देखो अभी ऋषि पता नहीं कब आए और तुम्हारा पारण का समय निकला जा रहा है, तुम्हारी एकादशी निष्फल हो जाएगी, तुम क्या करो, तुम जल से भगवान को जल निवेदन करके तुलसी का दल उसमें दे करके और उसको आप पारण कर लो। तुम निर्जला व्रत रखते हो और अन्न से मत पारण करो, तुम जल से कर लो, तुम्हारा एकादशी का व्रत पूरा लगेगा। यह मान करके अम्बरीश महाराज ने जल से पारण कर लिया। जल जैसे ही पी रहे थे तभी वहां पर दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए और दुर्वासा ऋषि जैसे प्रकट हुए वो तो भगवान शंकर के आवेश से प्रकट है, अंश है उनके, और बड़े ही क्रोधी स्वभाव भी, एकदम देखते ही अरे कैसा दुष्ट राजा है देखो तो सही, अपने मेहमानों की भी इसको अभी आदर सत्कार करने की तमीज नहीं, अभी हम आए हैं इधर और हमें अभी पारण नहीं कराया, खुद पारण करने लग गया। ऐसे उन्होंने बड़े ही क्रोध से कहा और कहते ही अपनी एक बाल को खींचा उसमें से कृत्याग्नि प्रकट हो गई, उसको नीचे जमीन पर दे मारा, उसमें से कृत्याग्नि प्रकट हुई और वह कृत्याग्नि अम्बरीश महाराज की ओर दौड़ पड़ी उनको खाने के लिए। तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज जो हमेशा 24 के 24 घंटे भगवान हरि के स्मरण में रहा करते थे, हमेशा निरंतर जप किया करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे, वो हाथ जोड़ करके खड़े, एक पग भी भयभीत होके इधर उधर नहीं डगे, ना इधर भागे ना उधर गए, हाथ जोड़ करके स्मरण किया प्रभु का और भगवान हरि इतने प्रसन्न है उनसे, उनकी सुरक्षा के लिए निरंतर उनके राज्य के बाहर
अपना सुदर्शन भेज रखा था कि निरंतर सुदर्शन आपका पहरा देगा, आपकी सुरक्षा प्रदान करेगा। और सुदर्शन वहां पर प्रकट होने के कारण एकदम से सुदर्शन वहां प्रकट हो गए और उस उग्रागनि को एकदम जलाकर भस्म कर दिया। और वो चक्र जो सुदर्शन चक्र है भगवान कृष्ण का, भगवान श्री विष्णु का, वो अब प्रत्याग्नि को भस्म करके दुर्वासा ऋषि की ओर चल पड़ा। अब वो ऋषि देख रहे हैं कि ये चक्र मेरी ओर आ रहा है और चक्र इतना तेज प्रकाशित कर रहा है, इतनी उसमें से अग्नि निकल रही है, दुर्वासा ऋषि उसके ताप को सहन नहीं कर पा रहे। दुर्वासा ऋषि कई पर्वतों में दौड़ते हैं, कभी समुद्र की ओर दौड़ते हैं, कभी वनों की ओर दौड़ते हैं, लेकिन चक्र पीछे पीछे उनका पीछा करता हुआ आ रहा है। अब तो दुर्वासा ऋषि बड़े घबरा गए, वहां से सोचा इस पृथ्वी पे मेरा बच पाना मुश्किल है, जिसने इसकी सृष्टि की है ब्रह्मा जी, ब्राह्मण होने के नाते मैं भी ब्राह्मण हूँ, वो भी ब्राह्मण है, मेरी रक्षा करेंगे। और वो ब्रह्मलोक तक पहुंचे और ब्रह्मा जी को जाकर प्रणाम किया, कहा प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पीछे चक्र आ रहा है और ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप चाहे तो मेरी रक्षा कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने जैसी सुदर्शन चक्र को देखा, तुरंत देखते ही बड़े प्रसन्नचित हुए और उनको साष्टांग प्रणाम किया और दुर्वासा से कहा, देखो तुमने बड़ी धृष्टता की है, भक्त के चरणों का अपराध किया और मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इस चक्र को रोक सकूं, तुम एक काम करो, तुम शिवजी के पास चले जाओ, क्योंकि शिवजी जो है भगवान के बड़े प्रिय हैं और वो कुछ कर सकते हैं। तो ये देख करके दुर्वासा ऋषि बड़े हताश हुए कि ब्रह्मा जी ने भी मेरी रक्षा नहीं की। यहां से वो कैलाश पर्वत पहुंचे और वहां जाकर शिव जी को प्रणाम किया, हे महाराज शंभो मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न हुई है, देखिए मेरे पीछे ये चक्र आ रहा है, इसको रोकिए, इसको समझाइए, इसको वापस भेजिए। तो शिव जी ने भी कहा, देखो ये मेरे वश की बात नहीं, ये भगवान नारायण का चक्र है और जिनका चक्र है आप उन्हीं से जाकर प्रार्थना कीजिए, वो जरूर आपकी बात सुनेंगे। अब ये दुर्वासा ऋषि बड़े घबरा गए कि ब्रह्मा जी भी मेरी रक्षा नहीं कर पाए, शिव जी भी मेरी रक्षा नहीं कर पाए, चलो अब वैकुंठ चलता हूँ। वहां से वे आकाश मार्ग से वैकुंठ लोक पहुंचे, वहां नारायण भगवान को देख करके उनकी जान में जान आई, उनको साष्टांग प्रणाम किया, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, आपका आयुध चक्र मेरा पीछा कर रहा है, मुझे विनष्ट करने के लिए व्याकुल है, कृपा कीजिए। तो नारायण भगवान क्या बोलते हैं, देखो कांटा लगा पांव से, पांव में कांटा लगा और कंधे से तुम उस कांटे को निकालना चाहते हो, ये कभी नहीं हो सकता। जहां तुमने अपराध किया, भक्त के चरणों में अपराध किया है, वहीं जाकर के इस समस्या का समाधान मिलेगा, उस भक्त के चरणों में जाकर के निवेदन करो, क्योंकि ये सुदर्शन अब मेरे वश में नहीं और मेरे भक्त जो मेरी आत्मा है उनके प्रति यदि कोई भी किसी प्रकार से अपराध करता है तो मैं भी अवश हो जाता हूं, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, उसमें यदि भक्त चाहे तो कृपा करके तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर दे, तुम्हें मरने से बचा सकता है, तुम वहीं जाओ अम्बरीश महाराज के चरणों में जाकर के प्रार्थना करो, वही कुछ कर सकते हैं। यह देखकर दुर्वासा ऋषि बड़े आश्चर्यचकित हुए, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान नारायण तीनों जो है अपने आप को अपनी हताशा व्यक्त कर रहे कि हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, बड़े आश्चर्यचकित होकर के, बड़े निराशा होकर के और बड़ी ग्लानि भर करके अपने हृदय में वापस पृथ्वी लोक मथुरा लोक में आए और वहां पर यहाँ जो अम्बरीश महाराज अभी तक उनका बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे, पूरा एक वर्ष बीत गया था ये सारी लीला होने में। और शास्त्रों में आता है कि एकादशी का व्रत जिस प्रकार से रखते थे अम्बरीश महाराज, पूरा एक वर्ष तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और इंतजार करते रहे कि दुर्वासा मुनि के चरणों में मुझसे अपराध हो गया, वो कब आए, कब मैं उनको सुंदर महाप्रसाद खिलाऊं, कब उसके बाद मैं पाऊं, ये सोच रहे थे।
और यहाँ पर अमरीश महाराज उनका इंतजार करते, जैसे दुर्वासा मुनि आए, दुर्वासा मुनि को देख करके एकदम प्रसन्नचित होकर अमरीश महाराज खड़े हो गए और दुर्वासा मुनि उनके चरणों में जैसे ही गिरे तो अमरीश महाराज एकदम उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। हे महामुनि, आप ये करते अच्छे नहीं लगते, मैं तो आपका बच्चा हूँ, इस तरीके से आप जो है मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, नहीं नहीं हे भक्त, मैंने तुम्हारे चरणों में प्राप्त किया है, मैं नहीं जानता था भक्ति की महिमा इतनी है, आज मेरी समझ में आया कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी योगी से भी श्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान, भक्ति से वशीभूत हो जाते हैं भगवान, इसीलिए जो है मुझे क्षमा कीजिए। तो बड़े प्रसन्न होकर अमरीश महाराज ने उनको सुंदर तरीके से बिठाया और सुदर्शन महाराज की ओर प्रार्थना की तो सुदर्शन चक्र वहां से अप्रकट हुए। बोलो अमरीश महाराज की जय। हाँ देखो, प्रभु जी ने जो कथा सुना है, ये दुर्वासा जी कौन है, कहते ये शंकर जी की दूसरे स्वरूप में दुर्वासा है, शंकर जी जगत में ये भक्ति की महिमा को प्रकाश करना चाह रहे, इसलिए उन्होंने आए और आ करके जिस समय अम्बरीश महाराज व्रत करना चाह रहे थे उसी समय में आई और आ करके उन्होंने अब अपने सारी कथा को सुनी। दुर्वासा जी शंकर जी की प्रकाश है, लेकिन ये कहते जो एकादशी व्रत रखते हैं, एकादशी की इतने महिमा शंकर जी की प्रकाश जो दुर्वासा भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और उन्होंने एकादशी व्रत को जिस समय उन्होंने कृत्या मतलब राक्षसी को प्रकट करके उन्होंने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए चाह, स्वयं सुदर्शन चक्र प्रकट हो शिक्षा देते हैं, अगर आप एकादशी व्रत रखना ठाकुर का चक्र आप रखा करें, हर समय सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा करते रहेगा और उनको ब्रह्म लोक शिव लोक यहाँ तक भी उनको वैकुंठ लोक ले गया खदड़े, लेकिन कहीं ना उनको सहारा नहीं मिला, पर लास्ट में उनको आकर के श्री अम्बरीश के चरण में प्रार्थना क्षमा प्रार्थना करना, इसका मतलब अगर आप एकादशी व्रत कर लेना आपका दुनिया में कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकते एकादशी कितने महिमा। कहते जो एकादशी व्रत कहाँ से प्रकट हुई इसकी पूरा कथा सुन लो। बोले एक समय कृष्ण नारद जा रहे थे, जाते जाते हाथ रोने का आवाज सुनाई पड़ा, कोई बोल रहे रक्षा करो और नहीं हमसे गलती हो गई, जोर जोर से चीख चीख कर कोई रो रहे थे। अभी कृष्ण तो सब जानते हैं, कृष्ण ने नारद जी को पूछा, नारद जी अभी हम कहाँ पर आ गए, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रहा है। बोले प्रभु आप तो गटगट वासी सब जानते हो, अभी हम नरक में हम आए, नरक का जो दक्षिणा दरवाजा के पास में आ गए। बोले वहां पर क्या होता है, बोले जीव जैसे जैसे कर्म करते हैं उनकी कर्म के अनुरूप वहाँ फल भोग करते हैं। बोले हम चलो जाकर के देखे, वहां पर देखा जो जैसे जैसे कर्म कर रहे थे कर्म के अनुरूप फल भोग कर रहे थे, जो मांस मछली खाए थे उनको तो जिंदा जिंदा करते काट रहे थे, और जैसे पकौड़ा बनाते हैं ना खोलते हुए तेल में उसको जिंदा जिंदा उसमें डाल रहे थे, और देखा इन्हीं आंखों में जो गंदी गंदी चीज देख रहे थे उनको आंख को निकाल रहे, जिसने ये हाथ में तराज में हेर फेर कर रहा था उसको हाथ काट रहे थे, जो शराब पी रहे थे लोहे को गर्म करके उसको मुंह में डाल रहे थे, उन्होंने देखा जो जैसे जैसे कर्म की कर्म के अनुरूप वहां पर फल हो कर रहे और सत्य सब चित्कार कर रहे थे और नहीं छोड़ दो। लेकिन जब भगवान कृष्ण वहां पर गए और वहां पर उन्होंने जो 84 जो नरक में झांक करके देखे, जब सबके सब जीव ठाकुर को दर्शन किया, भगवान को दर्शन करते ही सबके सब मुक्त होकर के वैकुंठ चले गए, धाम में चल गई। इतने में कृष्ण ने कहा, नारद जी ये बताओ आज कौन सा तिथि है। बोले प्रभु आज एकादशी तिथि है। बोले जाओ तुम दुनिया में बिना बजाते हुए दुनिया में प्रचार करो, जब व्यक्ति एकादशी व्रत रखेगा कभी ये नरक नहीं जाएगा, ये ठाकुर का आदेश।
नारद सर्वत्र वीणा बजाते बजाते प्रचार किया, ये भगवान जी का आदेश है, सब के सब एकादशी व्रत करो, कभी नरक नहीं जाओ। सबके सब ठाकुर का आदेश पालन करना शुरू कर दिया। अभी जो पाप था वो दुखी हो गया, बोले पाप कहाँ रहेगा, तो जहाँ गंदे काम करेंगे। एकादशी का दिन कल मैंने बताया था ना, ये पांच अन्न है, एकादशी का दिन ये पांच रबी फसल नहीं लेनी चाहिए। एक है गेहूँ, जव है, कितने तरह का दाल है, और सरिषा है, और जो दूसरे दूसरे जो अन्न है अन्न को नहीं लेनी चाहिए। अन्न में एकादशी का दिन गो हत्या, ब्रह्म हत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, पिता माता की हत्या, सबके सब एकादशी दिन अन्न में आश्रय ग्रहण करना है। अभी सबके सब एकादशी व्रत किया तो जो पाप था वो दुखी हो गया, वो पाप दुखी होकर के भगवान कृष्ण के पास में गए, बोले प्रभु मेरे को जान से खत्म कर दो। बोले क्यों, बोले आप ऐसे एक व्रत आपने लाए हो, सबके सब एकादशी व्रत करके सीधा वैकुंठ जा रहे हैं। अभी मेरा तो कोई स्थान ही नहीं, इसलिए मेरे को स्थान तो नहीं, तो ध्यान से मार देता हूँ। ठाकुर जी बोले देखो मैं तुम्हें स्थान देता हूँ, एकादशी का दिन जो व्यक्ति ये अन्न भोजन करेगा, ये अन्न में ही तुम निवास करोगे, और जो ये अन्न भोजन करेगा वो सीधा नर्क जाएगा। इसलिए एकादशी का दिन अन्न में ये पाप आश्रय करके रहता है। इसलिए ये भागवत में कथा है, प्रभु जी जो कथा सुना रहे थे, इसलिए ये भागवत में कोई सोम का व्रत नहीं, मंगलवार का व्रत नहीं, बुधवार का, शनिवार का कोई व्रत नहीं। अगर ये व्रत नहीं करोगे ना, कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर एकादशी नहीं करोगे उसका सारे पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए एकादशी कंपलसरी, एकादशी व्रत आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए उसमें तो बहुत कथा आती है, रुक मांगत महाराज कैसे पृथ्वी को राजत्व कर रहे थे, खुद करते थे व्रत और सब प्रजा को भी एकादशी व्रत कराए करते थे। उन्होंने कहीं अनजान में, उन्होंने एक पहले जन्म में दुष्ट थे, बदमाश थे, एक वेश्या का प्रति उनका आसक्ति हो गई, वेश्या को प्रति। वो वेश्या बड़ी सुंदर थी, वेश्या खाए तो ये भी खाए, वेश्या चले थे ये भी चले, वेश्या उठे तो वो उठे, उसका प्रेम में पूरा पागल थे। एक दिन किया हुआ एकादशी का तिथि आई, लेकिन वो दोनों को पता ही नहीं आज एकादशी। उसी दिन वो वेश्या में बड़ी तेज बुखार आई, बड़े छटपट कर रही थी। वो दुष्ट तो प्रेम करता था उसको, उसने उस दिन खाना नहीं खाए, जब उसने नहीं खाए उसने भी नहीं खाए, इसने भी नहीं खाए, बुखार उतारा नहीं, वो बुखार बढ़ते बढ़ते गया, और रात भर दिन भर छटपट करते करते दूसरे दिन उसने प्राण त्याग की, और इसने भी प्राण त्याग की। केवल एकादशी का दिन उनको पता नहीं था एकादशी, उनकी प्राण निर्जला एकादशी हो गई। एकादशी का ये फल मिला, दूसरे जीवन में रुक्मांगद महाराज और संपूर्ण पृथ्वी को राजत्व करते थे, वही जो वेश्या सुतरानी इनके रानी बन कर गया। इतने एकादशी व्रत की एक समय कोई वैष्णव परिवार था, वैष्णव परिवार में ये लोग जरूर एकादशी व्रत रखते हैं वैष्णव लोग। उसी दिन अन्न खाना भी जितने पाप है देना भी उतना ही पाप है, लेकिन इनका वैष्णव परिवार राजा थे, वो व्रत रखते थे। उनके घर में दामाद आया, दामाद आया तो पहले पहले जो एकादशी व्रत होता था, एकादशी से एक दिन पहले एक बार खाते थे, एकादशी का दिन पूरा निर्जला, दूसरे दिन केवल व्रत खोलते समय एक बार खाते थे। घर में दामाद आई, दामाद आए आपको पता दामाद का कितना इज्जत, उन्होंने कहा नहीं हम एकादशी व्रत रखते हैं, आपको हम अन्न भोजन नहीं करा सकते, क्योंकि अन्न में सारे पाप। उसको दामादों को खाना नहीं खिलाए, दामाद भूखे में शरीर त्याग दी, तो दूसरे जीवन में उन्होंने उन्हें राजा बनकर भी जन्म हुए और भगवत धाम को गमन किए। पुराण में और एक कथा आती है, बोले एक समय स्वर्ग में, एक कथा को सुनो, एक एकादशी का नाम पाप भोजनी है, मतलब वो एकादशी व्रत करोगे सारे पाप नष्ट हो जाएगा, ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय स्वर्ग में इंद्र चंद्र देवता बैठे हुए थे, एक गंधर्व और एक गंधर्वी, ये बहुत ही सुंदर थी दोनों। अभी अभी इनके अंदर में प्रेम, नई नई प्रेम है, आपको पता होगा नया प्रेम में कितने पागल होते हैं। सारे देवता लोग बैठे हुए थे, ये गंधर्व गंधर्व उनके सामने नृत्य और गाना कर रहे थे, लेकिन वो दोनों दोनों में आसक्ति, नया प्रेम थे, नया प्रेम था।
लेकिन वो उनको नृत्य विद्या क्या दिखाएंगे, दोनों दोनों को प्रति देख लेकर पागल हो रहे थे। लेकिन वहां पर इंद्र चंद्र देवता बैठे हुए थे, इंद्र तो बड़ा क्रोध है, बोले दुष्ट यहाँ पर तुमको गाना और नृत्य के लिए बुलाया गया और तुम पागल होकर के अपना बंधु को देख रहे हो, दोस्त को देख रहे हो, भूल गए यहाँ पर किसलिए बुलाए, मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ, तुम दोनों पिशाच जन्म में जाओगे। पिशाच समझते नहीं, ये प्रेत जन्म में दोनों जाओगे। अभी दोनों प्रेत जन्म में आए, ये प्रेत जन्म इतने भयानक जन्म, पानी पीने के लिए जाओ पानी सूख जाएगा, खाना खाने के लिए जाओ खाना चलते खत्म हो जाती है, जिसे पेड़ में बैठे वो पेड़ टूट जाती है, और रात को इनको जब तक वो खून नहीं पिएंगे किसकी सहेली में बैठ करके वो जिंदा नहीं रह सकते। अभी ऐसे जब कुछ दिन तक बीता, एक दिन ही दोनों विचार कर रहे हैं, क्या जिंदगी में हम ऐसे जीवन बिताएंगे, क्या हमारी किसी तरह से सद्गति मुक्ति नहीं मिलेगी। एक दिन उन्होंने कहीं सत्संग हो रहा था, उन्होंने सत्संग में ये कथा सुनी, जो एकादशी व्रत करते हैं पाप वचन एकादशी, बड़े से बड़े पाप उनका नष्ट हो जाता है, बड़े से बड़े पाप, लेकिन रात को अगर किसी शरीर में प्रवेश करते हुए खून नहीं पिए ना, वो जिंदा ही नहीं रहते, छपचर छपट छपट करते थे। लेकिन वो दोनों ने बड़ी कष्ट करते हुए उन्होंने एकादशी व्रत को उन्होंने व्रत रखा। जब एकादशी व्रत की, दूसरे दिन सारे पाप से मुक्त हो गए, पुनः दोनों गंधर्व और गंधर्वणी बन करके स्वर्ग में गए। जब स्वर्ग में गए, इंद्र ने बोले धर्म बोले ऐसे कौन सा तुमने सत्कर्म किया, मैंने जो अभिशाप दिया है पिशाच जन्म के लिए, ये पिशाच जन्म से तुम्हें मुक्ति मिली, तो मिली कैसे, मेरे अभिशाप को किसने खंडन किया, बोले हमने एकादशी की हमने कथा सुनी, हम दोनों ने एकादशी व्रत रखा, एकादशी व्रत से ही हमारी सारे पाप नष्ट हो गई और पुनः हम स्वर्ग धाम को प्राप्त की। और एकादशी की कितनी महिमा एकादशी की, ठीक है ना। देखो बलराम प्रभु जी है यहाँ पर, बलराम महाराज हरे कृष्ण। देखो एकादशी और एक चीज को समझो, जो एकादशी है ये एक साइंस ही है, ये क्या है, क्या है, साइंस ही है। ये मत समझो अरे ये संत लोगों ने एकादशी द्वादशी त्रयोदशी पता नहीं क्या क्या बना दिया मनमान, नहीं ये एक साइंस ही है। देखो एकादशी कैसे साइंस की चीज को समझो, थोड़ी जो लिखे पड़े है ना, जो यंग बच्चे थोड़ा लिखी आप लोग को समझो, कहते ऋषि मुनियों ने आप लोग को पुरुष लोग भी अच्छे तरह से चीज को समझो, फिर आपको मैं पूछूंगा क्या समझे। ये एकादशी कैसे साइंस है, हमारे जितने ऋषि मुनि लोग थे, व्यास पराशर वशिष्ठ, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, अभी का जैसे साइंटिस्ट नहीं, आप न्यूटन आइंस्टाइन इनका नाम सुने, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन इन लोगों ने जो फिलोसफी जो थियोरी बता कर गए थे, अभी का जो साइंस साइंटिस्ट है उसमें बहुत न्यूटन को न्यूटन सर कहते हैं, ये सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन अभी का जो साइंटिस्ट है ना बहुत कुछ गलत दिखाते हैं। इसलिए देखना बच्चों का पुस्तक कभी नहीं बदलते, बल्कि क्यों भाई अमुक साइंटिस्ट ने ये बताया, दूसरे साइंटिस्ट आकर उसको काट दिया फिलोसफी को, इसलिए बच्चों का पुस्तक बदलती है। आप लोगों ने कभी देखा रामायण का कोई एक अक्षर बदला नहीं, तुलसीदास रामचरित्र लिखे अभी तक उसका कोई अक्षर किसने बदला, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कोई एक श्लोक बदली है, भगवत गीता की कोई श्लोक अभी तक बदला है, आप बोलो कोई श्लोक बदला है, नहीं, क्योंकि ये ऋषि मुनियों ने जो जो चीज भी कर गए वो प्रॉपर साइंस है। अभी ये समझो फिर एकादशी क्या साइंस है, ये चीज को अच्छे तरह से समझो, मैं कल पूछूंगा देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है। यदि ये ऋषि मुनियों ने जो जो विधान दिए हैं दो दृष्टिकोण से दिए हैं, ये शरीर भी अच्छा रहे और भगवान की भजन भी, दोनों चीज होनी चाहिए, शरीर सुस्त रहे या तब तो भजन कर सकते हो ना, ये दोनों दृष्टिकोण को विचार करते हुए उन्होंने ये एकादशी रखा। जैसे ये शरीर एक मशीन है, कोई भी मशीन को अगर आप कंटिन्यू चलाओगे तो मशीन ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इसलिए जैसे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, संडे को छुट्टी रहता कि नहीं, छुट्टी रहती कि नहीं, संडे को रहता है, क्यों, सात दिन बच्चों को पढ़ाओ ना, अभी तो सत्रह संडे दो दिन छुट्टी रहती है, बोले सात दिन बच्चों को पढ़ाओ बढ़िया पढ़ेगा, बीच में क्यों छुट्टी देते हो, बोले नहीं अगर कंटिन्यू पढ़ेगा ना वो पागल हो जाएगा,
जैसे बच्चे लोग स्कूल कौन कौन जाते हैं पढ़ने के लिए, हाथ उठाओ। जैसे 7-8 पीरियड है लेकिन बीच में एक खर्चों की होता है, रिसेस होता है। बोले क्यों रिसेस क्यों होता है? क्योंकि ये दिमाग एक ब्रेन है, अगर इसको कंटिन्यू चलाओ तो पागल हो जाएगा। इसलिए बीच में क्या होता है, खर्च भी करते हैं आधे घंटा के लिए। बच्चे अगर खेल कूद ले ना फिर क्या होता है, माइंड फ्री हो जाता है, फिर पढ़ाई दोबारा अच्छे तरह से करता है। क्या तो उसी तरह ऋषि मुनियों ने बोले भैया ये शरीर एक मशीन है, ये मशीन को बीच बीच में उसको थोड़ा विश्राम दो। अगर बकरी जैसे दिन भर अगर मुँह चलाते रहोगे, बकरी जैसे चलाते रहोगे ना, पर ये शरीर तुम्हारी ज्यादा दिन काम नहीं करेगा, शरीर में बीमारी पड़ जाओगे। इसलिए बोले क्या करो, एकादशी 15 दिन में एक बार, ये एकादशी व्रत आती है, एक बार ये 15 दिन में एकादशी व्रत रखो, शरीर को थोड़ी सी विश्राम दो। जैसे ये मशीन चल रहा है, अगर ये कंटिन्यू चलेगा तो खराब हो जाएगा ना, लेकिन अगर बीच बीच में इसको थोड़ी सी विश्राम देकर चला क्या होगा, वो मशीन कंटिन्यू काम करते रहेगी। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा भैया 15 दिन में, कितना दिन में, 15 दिन में एक बार ये शरीर को एकादशी का दिन विश्राम किया करो, हैं विश्राम दो। इसलिए विश्राम दो तो क्या होगा, दूसरे दिन से ये शरीर तुम्हारी बढ़िया काम करेगी। हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न आता है भैया हम एकादशी का दिन क्यों शरीर को विश्राम दे, अभी तो और भी तो व्रत है, सोम मंगल और तो स्त्री भी शरीर को विश्राम दे सकते हैं, लेकिन एकादशी का दिन क्यों विश्राम दे, ये चीज वो समझो। क्या आप लोग सुने होंगे समुद्र में एक हाई टाइड होता है ज्वार भाटा, सुने हो, सुने कि नहीं, समुद्र में एक ज्वार भाटा हाई टाइड होता है, ये कब से कब तक होता है? क्योंकि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी को खींचती है और ये पृथ्वी चंद्रमा को खींचती है, दोनों दोनों को खींचते हैं, लेकिन चंद्रमा बहुत बड़ी है इसलिए पृथ्वी उसको खींच नहीं सकती, और चंद्रमा पृथ्वी भी बहुत बड़ी इसलिए चंद्रमा पृथ्वी को भी खींच नहीं सकती। इसलिए ये चंद्रमा जो एकादश से लेकर के पूर्णिमा तक ये चंद्रमा ज्यादा बढ़ती रहती है। इसलिए जो लोग समुद्र को पास में रहते हैं देखना उसमें बड़ी बड़ी लहरें आती है, बड़ी बड़ी पूर्णिमा का दिन बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है। क्यों? ये चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षण करती है लेकिन मिट्टी को तो आकर्षण कर ही नहीं सकती, उसका प्रभाव पानी को ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव किसको ऊपर पड़ता है, पानी में। चंद्रमा जितने बढ़ती जाएगी वो पानी उतना ही उमड़ना शुरू होता है, उतना बड़ी बड़ी लहरियां होती है। फिर प्रथमा द्वितीया जब चंद्रमा घटती है पानी भी धीरे 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 घटना शुरू हो जाता है, क्यों, उसका आकर्षण कम हो जाता है। इसलिए हमारा जो शरीर है 5 चीज को द्वारा शरीर बना हुआ है, कौन बोलेगा क्या क्या, हाथ उठा कर बोलो, हमारा शरीर 5 चीज से बनी, बताओ क्या, जोर से बोलो, हाँ आकाश। क्योंकि ये शरीर 5 चीज से बनेगी, मिट्टी वायु आकाश जल और अग्नि, ये 5 चीज से बनी हुई, ये 5 चीज में सबसे ज्यादा शरीर में क्या है, बोला कि जल है, कितना परसेंटेज, 70% 75 और 70% शरीर में पानी। ये पानी होने का नाते ये चंद्रमा पानी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, पानी तर रहे, इसलिए आप लोग देख लेना नजर करके, जिनकी घुटने में दर्द है जिनकी कमरे में दर्द है आप देखना एकादशी का दिन थोड़ी ज्यादा दर्द होगा, द्वादशी का दिन और थोड़ा दर्द होगा, पूर्णिमा में देखोगे इतने दर्द होगा तो सो भी नहीं सकते, इतने दर्द होगा। क्यों? ये चंद्रमा पानी के ऊपर में इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी हॉस्पिटल में आप देखना ज्यादा जो बीमारी लोग किस दिन आते हैं, देखना एकादश से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा लोग बीमारी आते हैं। आप किसी शमशान में चले जाना देखना ज्यादा लोग मरते हुए कब देखना, एकादश से लेकर पूर्णिमा तक लोग को देखो ज्यादा मरते हुए देखोगे। आप किसी खून खराब देखना मारपीट, ये एकादश से लेकर पूर्णिमा तक, और एक माता को अंदर लेकर चिड़चिड़ा बन गई देखना, कभी एकादश से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा चिड़चिड़ा बनाएगी। क्यों? ये चंद्रमा पानी को ऊपर में इसकी प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इसलिए बोले भैया एकादशी का दिन रोटी मत खाओ चावल मत खाओ। बोले क्यों? आप जब रोटी चावल खाओ ना थोड़ी देर बाद में प्यास लगेगी, थोड़ी देर बाद में प्यास लगेगी,
लेकिन फल खाओ प्यास नहीं लगेगी, फल खाओ प्यास नहीं लगेगी। इसलिए ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, इसलिए बोले भैया एकादशी का दिन अन्न मत खाओ, जितना अन्न खाओगे उतना पानी पियोगे, जितना पानी पियोगे वो स्पंज जैसे जितना पानी खींचेगा उसको ऊपर में चंद्रमा का प्रभाव उतना पड़ेगा, हमारे शरीर में उतना बीमारी पड़ोगे। अगर फल मूल खाओगे ना देखना आपको ये पानी नहीं मांगेगा, फिर शरीर तुम्हारी सुस्त बनी रहेगी। इसलिए कि जो एकादशी एक साइंस है, इसलिए इस बार जिन लोगों ने एकादशी किया है बहुत अच्छी बात, हम मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ जो लोग आज का दिन एकादशी व्रत किया। और अगली बार से जो नहीं किया है, देखो ये मत समझो नहीं, जब से बड़ी एकादशी आई ना करेंगे, नहीं, भक्ति ऐसे की चीज है जब से इच्छा तब से कर सकते, इसलिए आज से जो किया आज से एकादशी व्रत को उठा लो, आज से उद्यापना करने का कोई जरूरत नहीं, हमारे भक्ति जगत में कोई उद्यापना नहीं करते हैं। लेकिन अगर छोड़ना चाहोगे कभी साधु संतों को ब्राह्मण को जो दान दे देना, लेकिन जो उद्यापना कुछ प्रथा है हमारी भक्ति जगत में उद्यापना का कोई नाम नहीं, इसलिए और सधवा और विधवा नहीं। अब भागवत पढ़ करके देखो, ये मैया जसोदा क्या विधवा थी, द्रौपदी क्या विधवा थी, अम्बरीश महाराज की कथा सुनी उसका पत्नी क्या विधवा थी, नहीं, ये कहते 5-8 साल से लेकर के 80 साल तक एकादशी व्रत को करनी चाहिए। और एकादशी को भक्ति की जननी बताया, जननी मतलब माँ, मतलब जो एकादशी व्रत रखते हैं इसको 11 से कहते हैं ना, एकादशी को क्या कहते हैं, 11 से कहते हैं, हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां और इनका जो राजा ये मन है, इसलिए एकादशी का दिन ये 11 इंद्रियों को जरा प्रभु जी जो सुना रहे थे उस दिन ज्यादा से ज्यादा प्रभु का नाम आंखों से कमकर देखो, कानों से कथा सुनो, हाथों से ठाकुर जी की सेवा करो, प्यार से तुलसी परिक्रमा करो, एकादशी इंद्रियों को जरा क्या करो, भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति में लगा दो, और भक्ति को द्वारा ही कृष्ण प्राप्त होते हैं। और एकादशी के बगैर जीवन में कभी भक्ति कर ही नहीं सकते, एकादशी ही भक्ति को देने वाली, बस ये एकादशी व्रत की। बलराम प्रभु हरे कृष्णा। अभी हमारे श्री बलराम प्रभु, आप इनको कौन कौन जानते हो, कौन जानता है, ये एमपी प्रभु जी बड़ौदा में रहते हैं, ये सीए हैं, छोटी मोटी बहुत बड़े सीए हैं, जिनके अधीन में बहुत सारे लोग काम सीए काम करते हैं, इनको पास में सीखते हैं, और इनकी पत्नी दोनों बच्चे अच्छी लिखाई पढ़ाई, लेकिन पूरा की परिवार हैं, पूरा परिवार भगवान भजन करते हैं। देखो सीए हैं, अपना ऑफिस में बैठते हैं, बहुत सारे लोग देखो इनके गले में तुलसी कटती है, देखो इनका तिलक है, देखो इनकी चोटी है, ये हमारी ये भक्ति में पहले हर हिंदू चोटी रखते थे, हर हिंदू गले में कंठी पहनते थे, हर हिंदू पहले तिलक लगाते थे, हर हिंदू पहले ठाकुर को नाम करते थे। अभी धीरे 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 हम अपना संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए, वृंदावन गए आप, वहाँ पर इस्कॉन मंदिर जाते देखना, वो अंग्रेजी लोग होकर के कंठी माला तिलक अंग्रेजी, अभी जिस दिन जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकली थी ना तो अंग्रेजी को देखे थे, एक तो ब्राजील से आया था और एक अमेरिका से, देखा उनकी गले में तुलसी कंठी है, तिलक लगाए, छोटी मुंडन में किया, धोती पहनी, वो कहाँ हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। और हम लोग अंग्रेजी थोड़ा अगर सीख गए हैं, रसिया में कुछ दिन बाद में रसिया जाऊँगा, रसिया के जो लड़कियाँ वो सरकार के साथ में केस लड़ रहे हैं, जानते हो किस चीज से, कहते हम साड़ी पहन करके कॉलेज भी नहीं जाने, वो लड़ रहे हैं सरकार से, हम साड़ी पहन करके, लेकिन भारत में लड़कियाँ बोले हम जीन्स पहन करके क्यों नहीं जाएंगे, हम जीन्स क्यों नहीं पहन कर जाएंगे, स्कर्ट पहन कर क्यों नहीं जाएंगे, ये हमारी भारत है सर, लोग अभी अंग्रेजी की अंग्रेजियों का खान पान उसको नकल करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों ने नफरत होकर के अभी हमारे भारतीय सभ्यता, अब वृंदावन जाओगे ना अंग्रेजियों को देखना धोती कुर्ता चोटी
इतना सत्य सब हमारी संस्कृति को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम अपना संस्कृति को हमें ग्रहण करनी चाहिए, अंग्रेजियों का संस्कृति को हमें नहीं लेनी चाहिए। हमारी ऋषि मुनियों का देखो, यहाँ तो बड़ों तो भी भक्त लोग अच्छे हैं, सर पर कपड़े रखे हो हैं, सर पर कपड़े रख करके बैठे हो, ये संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति। जब तक ये चीज रहेगी ना समझना, तब तक शांति सुख रहेगी। लेकिन जब तक ये संस्कृति छोड़ दोगे, शांति सुख संपूर्ण डूब जाएगी, है डूब जाएगी। पहले कभी डाइवोर्स का नाम सुने हो? पहले लड़का कभी लड़की को देखने के लिए, लड़की कभी लड़का को देखने के लिए जाते थे कभी? आप लोग ने गए हो पति को देखने के लिए जा साथ में? पिता माता जहाँ पर जिस जाति जिस कुल में पिता माता ने शादी करा दिया, वहीं पर ही शादी कर लेते थे और जिंदगी भर आनंद में बीत जाता था। लेकिन अभी ऐसे नहीं, फोटो देखेंगे बोले नहीं ऐसे नहीं, काले को गोरे तो नहीं बना दिए, कितने लंबी कितने चौड़ी कितने एजुकेशन पता नहीं क्या क्या देख करके शादी करता, भी नहीं टिकती, तब भी नहीं टिकती है। लेकिन पहले क्या होता था, आंख बंद करके पिता माता जहाँ करवाया वहीं पर चले जाते थे और जीवन में सारा जीवन आनंद में बीत जाते। अभी जितना ज्यादा लिखे बड़े हो रहे उतने गुरुजन को अनादर, उतना ही अशांति, उतना ही दुख कष्ट। इसलिए अपना भारतीय संस्कृति को लेकर चलो, इसमें ही शांति और इसमें ही सुख है। हरे कृष्ण। आप लोग थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओगे माताएं, जो पीछे माताएं खड़ी हैं वो थोड़ी बैठ जाए। हरे कृष्ण। माता पिता भाई बहन सभी के श्री चरणों में यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भागवतम का छठा दिन है और ये हम सब के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि श्री गुरुदेव ने हमारी जो हृदय रूपी जमीन थी उसमें श्रीमद् भागवत रूपी हल से एक भक्ति का बीज बो दिया है। अब बीज तो वो बो दिया है लेकिन उसे अच्छे से सींच कर उसे लता का और बड़ा वृक्ष बनाने का कार्य हमारा है। और इसी प्रेरणा को हम ग्रहण करते हुए गुरुदेव से हम सभी प्रेरणा लेकर ये आप सबके बीच में बात रखते हैं कि हम एक माह में एक बार आप सबके यहाँ घर घर में सत्संग करने के लिए आया करेंगे। उसके लिए हम आपको एक पेपर देंगे, उस पेपर में कुछ जानकारियां आपसे मांगी गई हैं, वो जानकारी आप हमें भर के वो पेपर हमें वापस दे देंगे तो उससे हमें आप सब के यहाँ सत्संग करने में थोड़ा लाभ होगा। तो इसलिए कथा के उपरांत वह पेपर आप हमसे लेके उसे भर के कल हमें वापस दे देंगे। और दूसरी बात, जैसे अभी गुरुदेव ने बताया कि एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए, आज बहुत लोगों ने एकादशी का व्रत किया है, आप सब ने हाथ उठाया कि आज एकादशी का व्रत हम लोगों ने किया है। अभी नवीन किशनदास जी ने भी आपको बहुत सुंदर कथा सुनाई, गुरुदेव ने भी उसको पूरी व्याख्या के साथ आपको समझाया। अब जिन लोगों ने आज एकादशी का व्रत नहीं किया और ये सारी व्याख्याओं को सुन लिया तो अब तो आपने निर्णय कर लिया होगा कि आने वाली एकादशी में जिन्होंने आज व्रत नहीं किया वो कौन कौन रखेंगे, वो हाथ उठा दीजिए बस। जिन्होंने आज व्रत नहीं रखा आने वाली एकादशी से व्रत रखेंगे। हरे कृष्णा। और रखा किस किस ने नहीं? अच्छा, और सबने व्रत रखा है। आप लोग समझ रहे हो, प्रभु जी पूछ रहे हैं कौन कौन आज एकादशी व्रत नहीं रखा, आज का सरमाना नहीं, जिसने आज एकादशी का व्रत नहीं रखा है एक अधिकारी रखेंगे।
और अगली बारी से सब व्रत रखेंगे। ठीक है, जिस जिसने आज व्रत रखा है वो ध्यान रखें कि कल सुबह सूर्य उदय के बाद और 7:13 से पहले ठाकुर जी को अन्न भोग लगाकर वह अन्न प्रसाद इसी समय अवधि में हमें ग्रहण करना है। अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो फिर हमारा ये व्रत निष्फल हो जाएगा। ये व्रत केवल परिश्रम कहलाएगा, व्रत नहीं कहलाएगा। आप लोग समझ गए? अगर इतने जल्दी लेकिन ठाकुर के लिए अगर कुछ बना भी नहीं पाए, अगर इतना जल्दी कोई चावल का एक दाना भी आप ले सकते हो, चावल का एक दाना नहीं तो रोटी का कोई टुकड़ा मुँह में डाल दिया तो ये व्रत खुल जाएगी। फिर बाद में हम आप लोगों को एक जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देंगे जिसको घर में रख लेना और टाइम से उसको मुँह में डालने से जिस एकादशी का दिन जो चीज नहीं चलती जैसे चावल रोटी उसको मुँह में डालने से क्या होता है व्रत हमारी खुल जाती है। और जो व्यक्ति इसी समय के अंदर में ठाकुर जी के लिए कुछ खाना बना सकते हो, ठाकुर जी को भोग लगा के खाओगे तो ये अति उत्तम है। अगर इतना जल्दी नहीं कर पाते हो कम से कम एक चावल दाना हमें डाल देना। हरे कृष्णा। अभी हम सभी लोग पड़ोस से कुछ लोग श्री नवदीप धाम गए थे, वहाँ पर श्री सिद्धांति महाराज जी के श्री मुख से मैंने एक कथा सुनी थी। वह कथा थोड़ी सी मैं आप सबको बताता हूँ। वो बता रहे थे कि एक समय एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति स्टेशन पे जा रहे थे तो स्टेशन के बाहर एक भिखारी बैठा था। तो जो कटोरा होता है ना, कटोरे को ऐसे उछाल उछाल के भीख मांग रहा था। तो जब उस धनी व्यक्ति वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इतने हट्टे कट्टे हो, अभी युवा हो, फिर भीख क्यों मांग रहे हो, तुम काम क्यों नहीं करते। तो उसने कहा बाबूजी मैंने कोशिश तो बहुत करी पर मुझे कोई काम देता ही नहीं। अच्छा, तुमने कोशिश की है? जी हाँ, मैंने कोशिश बहुत की पर कोई काम मुझे देता नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी देता हूँ। उसका बहुत बड़ा राइस मिल था, चावल का मिल था उसका। तो उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी देता हूँ। तो कहने के बाबू तुम मुझे नौकरी दोगे? कहने हाँ हाँ मैं तुम्हें अपने तुम नौकरी की बात करते हूँ, मैं तुम्हें अपने काम में अपने बिजनेस में पार्टनर बनाता हूँ। कहने के बाबू जी क्यों मजाक करे, सुबह सुबह मैं ही मिला था क्या आपको, और कोई ना मिला? कहने के नहीं मैं सच कहता हूँ, मैं तुम्हें अपने बिजनेस में पार्टनर बनाऊंगा और पार्टनर भी कितने परसेंट का, 90% तुम्हारा होगा और 10% मेरा होगा। वो जो धनी व्यक्ति हैं वो बोल रहे हैं कि 90% तुम्हारा होगा और 10% मेरा होगा। अब उसे अपने कानों को ये बात सुन के विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। उसने कहा हाँ हो सकता है, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो। सबसे पहले वो लेके गए उसे कहाँ ब्यूटी पार्लर में, उसकी सेविंग वेविंग कराई और अच्छे से रेडीमेड कपड़े पहना के वो अपन गए बाबूजी। तो अब उन्होंने अपने राइस मिल में ले जाके बैठा दिया, अब पूरा काम समझा दिया कि तुम्हें ये काम करना है, माँ कच्चा माल खरीदना है, उसको फिनिश करके बाजार में बेचना है, जो भी उसका लाभ होगा 90% तुम रख लेना और 10% मेरे को दे देना। उसने कहा ठीक है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, एक माह हो गया। अब वो जो धनी व्यक्ति था वो अपने 10% हिस्से का इंतजार कर रहा है कि कब मेरा 10% आएगा, लेकिन 10% आया ही नहीं। वो सोचा कि हो सकता है काम में ज़्यादा व्यस्तता हो इसलिए नहीं आ पाया होगा, कोई बात नहीं दे जाएगा। इस तरह से 2 महीने बीत गए, दूसरे महीने भी नहीं आया। समय बीतता गया लेकिन उनका 10% का वो हिस्सा नहीं आया। 3 महीने के बाद वो धनी व्यक्ति उसके पास गए, अपने घर पे गए उसके सामने। कहने लगे भाई 3 महीने हो गए, आज तक तुमने मेरा वो 10% जो हमारे बीच में तय हुआ था वो 10% का हिस्सा नहीं दिया। वो कहने लगे भाई 10% का हिस्सा कौन सा, कैसा हिस्सा दूं मैं तुम्हें, सुबह से शाम तक काम मैं करता हूँ, बाहर से सामान खरीद के मैं लाता हूँ, बेच के मैं आता हूँ, पैसा इकट्ठा मैं करता हूँ, 10% तुम्हें घर बैठे दे दूँ। वो सुन के आश्चर्य। अब वास्तविकता ये है, इस कथा का सार ये है कि
ये सब काम हम भी कर रहे हैं। अब देखो कैसे कर रहे हैं। भगवान ने ये सब कुछ जितने भी संसार की वस्तुएं हैं, ये सारी की सारी वस्तुएं किसकी हैं? भगवान की हैं। जितना भी सुबह से शाम तक हम कमाते हैं वो किसका है? भगवान का है। आपकी देखो एक आंख देने से भगवान का आपका काम चल सकता था, फिर भी भगवान ने कृपा करके आपको दो आंख दी। आपका एक हाथ से काम चल सकता था, फिर भी भगवान ने आपको दो हाथ दिए। एक पैर से काम हो सकता था, फिर भी दो पैर दिए। एक किडनी से काम हो सकता था, फिर भी भगवान ने कितनी किडनी दी? दो किडनी दी। सारी की सारी व्यवस्था भगवान की है, सब कुछ भगवान का है, लेकिन क्या उसमें अब हम भगवान ने क्या कहा कि 90% तुम रख लो, इससे जो भी लाभ तुम्हें होता है उसमें से 90% तुम रख लो, बस 10% मुझे दे दो। लेकिन क्या हम 10% देते हैं? ये सोचने की बात है। भगवान ने हमें जीने के लिए 24 घंटे का समय दिया, क्या उस 24 घंटे में से 2 घंटा 40 मिनट बैठता है आप देते हो भगवान को? और गुरुदेव तो आपको केवल कितना समय कह रहे हैं देने के लिए? 15 मिनट। अगर हम 15 मिनट भी भगवान को नहीं दे सकते तो फिर हमें ये इतना सुंदर भगवान ने हमें अपने जैसा शरीर प्रदान किया, इतना सुंदर शरीर हम पाकर कौन सा तीर मार रहे हैं? इससे अच्छा तो फिर हम कोई पशु बन जाते, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो सारे काम तो पशु भी कर रहे हैं। कहते हैं गुरुदेव कि इस संसार में 4 काम ऐसे हैं जो इस संसार का हर जीव कर रहा है, वो है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। यानी कि आहार, आहार देखो इस संसार का हर जीव खा रहा है, जैसे जैसे भगवान ने उसकी वृत्ति बनाई है उसी के अनुसार वो उसे ग्रहण करता है। निद्रा, सब सोते हैं, पशु भी सोते हैं, इंसान भी सोते हैं। भय, मृत्यु से किसे डर नहीं लगता, सबको डर लगता है। और मैथुन यानी अपने परिवार की वृद्धि कौन नहीं करता, सब करते हैं। अगर यही 4 काम करने हैं तो मनुष्य तन पाते क्या करना, फिर तो पशु बन जाते, वो ज्यादा अच्छा है। एक काम हम कर सकते हैं मनुष्य तन पाते, भगवान का हरि का नाम स्मरण कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं कि कम से कम 2 माला के माध्यम से हर रोज अपने दैनिक कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य करें, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान को भगवत प्राप्ति का एक यही साधन है और कोई साधन नहीं है। हरि का भजन और एकादशी का व्रत, ये 2 काम हमें करने हैं। आज बहुत से लोगों को गुरुदेव ने हरि नाम दिया, करीब 20-22 लोग यहाँ सुबह आए थे। आप में से भी जो हरिनाम लेना चाहते हैं वो कल सुबह 7 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएं, गुरुदेव उनको भी हरिनाम देंगे। आप बता सकते हो कि कल कितने लोग हरिनाम लेना चाहते हैं? जो लेना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, क्योंकि अगर आप हरिनाम नहीं लेंगे तो फिर गुरुदेव क्यों आएंगे? तो वो पड़ोस से चल के आएंगे, पूरा हाथ उठाइए, आधा नहीं। जो हरिनाम लेना चाहते हैं एक हाथ उठाओ, बनकी उज मत करो, एक हाथ उठाओ। हरे कृष्णा। केवल 2 व्यक्ति हरिनाम लेना चाहते हैं। हरे कृष्णा। मेरे प्रभु जी एक सुंदर कहानी सुनाएंगे, ये कहानी को आप लोग सुन लो, ठीक है? ये एक कथा सुनाएंगे, 4 गोवों में एक राजा की 4 पत्नियां थी। प्रभु जी ये कथा सुनाएंगे। अभी प्रश्न है क्यों हरिनाम करें, प्रश्न होता है ना, हम क्यों भगवान का नाम लें, नाम लेने से हमारा क्या होता है? अब इसी विषय पर प्रभु जी एक सुंदर कहानी सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे। हरे कृष्णा। एक बार एक सेठ जी थी, उनकी 4 पत्नियां थी। उनमें जो पहली पत्नी थी वो बहुत खूबसूरत थी, वो इतनी खूबसूरत थी वो जहां भी जाते थे अपने उसे साथ लेके जाते थे, इतनी खूबसूरत थी। और जो दूसरी पत्नी थी वो हरे कृष्ण। देखो आपने छोटी सी कथा सुना था, आप इसको अच्छे तरह से सुन लो।
ये कथा सुनाने के बाद ना फिर मैं आपको पूछूंगा किसको याद है, जिसको याद करके बोल गया उसको इनाम दूंगा, और जो नहीं बोल पाएगा ना फिर बीच में खड़े कर दूंगा। इसलिए ये जो भागवत कथा आप सुन रहे हैं, ये भागवत कथा की जो सार है ये कहानी है, इसे अच्छे तरह से सुनो। कहते कोई एक राजा था, कहते राजा के चार रानियां थी, कितना रानियां थी? चार। जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को देख देख कर उसको खुश रखता था। जिस समय जो कुछ मांगी उस समय ला कर उसको जरूर देता था। राजा की जो दूसरी रानी थी वो चार रानियों में सबसे सुंदर थी, इसलिए राजा जब नगर भ्रमण करने जाता था इसको बड़ा सुंदर सजा धजा करके अपना रथ में बैठा लेता था और दुनिया को दिखाता था, देखो ये रानी भाई कितने सुंदर है। राजा की जो तीसरी नंबर रानी थी वो बड़ी मीठी मीठी बात को बना बना करके बोलती थी, इसलिए राजा जब महल में आता था और उसको पास में बैठ करके उसको मीठी मीठी बोली सुनकर बड़ा खुश होता था। और मन की बात और किसी को नहीं, वो तीसरी नंबर रानी को मन की बात बोलता था। जो चौथी नंबर रानी थी है तो बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी, लेकिन जब से राजा उसको घर में शादी करके लाए तब से उसको साथ में कोई मतलब ही नहीं है। कभी उससे पूछा ही नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। वो बेचारी बड़ी दुखी गुमसुम रहती थी। अभी राजा की अंतिम समय आया, मरने का समय आया, राजा देखे मेरे चार चार रानियां हैं, इनसे प्रश्न करके देखता हूँ कौन कहाँ तक मेरे साथ देती। सबसे पहला नंबर रानी क्या है बताओ तो, पहला नंबर कौन? बोलो जोर से बोलो, जो भूल गए हो किस? बड़ी रानी, सबसे बड़ी रानी जो थी, राजा जीवन में सबसे जिसको ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को देख देकर खुश रखता था, भले ही उसको कुछ क्यों करना नहीं पड़े उसके लिए वो करता था। उससे पूछा, रानी मेरी अंतिम समय आ गया संसार छोड़ने का, तेरे को मैं सबसे ज्यादा प्रेम किया तो मेरे साथ में चलोगी साथ में? लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे कोई नहीं, बोले राजा तेरे साथ में एक कदम भी मैं नहीं चलने वाला। बोले क्यों? तेरे लिए मैंने जो किया, बोले तेरा कर्तव्य क्या करना, बोले तेरी बड़ी बड़ी कोई कर्तव्य नहीं। राजा को तो प्यार के नीचे से जमीन घिसर गया, भैया जिसके लिए जिंदगी दिया वो कहती है कदम भी नहीं चले। अभी दूसरी रानी से पूछा, दूसरी रानी कौन थी? राजा जिसको सुंदर सुंदर गहना कपड़ा पहना करके रथ में बैठा करके दुनिया को दिखाता था, देखो ये रानी मेरी कितनी सुंदर है। बोले तू रानी चलोगी? बोले चलूंगी, मैं तो देख रहा हूँ तू तो मरोगी, मैं दूसरे से शादी करने के लिए तैयारी बैठी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगी? बोले देख मैं कितने सुंदर ही, जहाँ जाऊंगी मेरे को वही पसंद कर लेगा। बोले हे तो तू बड़ी बड़ी प्यारी, बोले इसलिए तो मैं बैठी ना दूसरे से शादी करने के लिए। राजा को तो और आश्चर्य लगा, ये कैसी बोली बोलती है, थोड़ी शर्म नहीं। अभी तीसरी नंबर से पूछा, बताओ तीसरी नंबर कौन थी? जो बड़ी मीठा मीठा बोली बोलती थी, राजा जिसको पास में बैठ करके जिसकी मीठा मीठा बोली सुनकर खुश होता था, मन की बात और किसी को नहीं, वो तीसरी नंबर रानी को मन की बात बोलता था। बोले रानी तू चलोगी? वो थोड़ी अच्छी थी, बोले हाँ चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चल सकती। बोले दरवाजा तक चलना चलना, बोले ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तो आगे बढ़ूंगी लेकिन तेरे साथ नहीं चलूंगी। बोले भैया तुम भी किसी काम नहीं बेकार। लेकिन अभी मैं चौथी नंबर उससे पूछा, वो सोच रहा था इसको पूछूं कि नहीं पूछूं, क्यों जिसके लिए करो उसको तो पूछ सकते हो, इसके लिए तो उसने कुछ किया ही नहीं, तेरे पास में साड़ी साबुन एक भी कहीं पूछा नहीं, सोचा जब रानी एक बार पूछ कर देख लेता हूँ। बोले तू चलोगी? लेकिन वही चौथी नंबर रानी राजी होती है। बोले राजा तेरे को मैं दिल से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात यह है तुमने एक बार भी झांक करके मेरे तरफ देखा ही नहीं, कभी तुमने ये भी नहीं पूछा तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, भले ही तू जो कुछ किया किया लेकिन दिल से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी सुख में सुखी और दुख में दुखी रहूंगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा, भैया जिनके लिए जिंदगी किया हो जाने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए कुछ नहीं किया हो जाने के लिए तैयार। अब इसका मतलब आप समझ लो अच्छे तरह से, सबसे बड़ी रानी मतलब है
वो राजा और कोई नहीं हम ही है। सबसे बड़ी रानी मतलब है अपनी जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो जिस समय जिस चीज को मांग करना, भले हमें चोरी बेईमानी डाकू कुछ भी क्यों नहीं करना पड़ जाए, उसी समय में उसकी इच्छा को हम पूरी कर देंगे। लेकिन जब अंतिम समय आएगा उसको पूछेंगे, वो एक कदम भी साथ नहीं चलेंगे, सबसे धोखा देंगे। कहते भैया ये कौन है, जीवन में किसको सबसे ज्यादा प्रेम करता हो बताओ तो, माताएं जितने माताएं बैठे हो आप बोलो आप किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। अब भाई भैया लोग बता, जो पहले सुने तो बता दो, लेकिन जो पहला बार सुन रहे आप लोग बताओ किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, कौन बोलेगा हाथ उठा, बोला किसको प्रेम करते हो, बोला जोर से किसको प्रेम करते हो, बच्चों को किसको प्रेम करते हो, हरे कृष्ण। देखो अरे सुना हरे कृष्णा, कहती है जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, केवल स्वार्थ है। जो प्रेम दिखता है ना, चुपके आपसे कुछ मिल रहा है और मिलना बंद कर दो आप जिंदगी भर किसके लिए करो, लेकिन एक दिन कोई त्रुटि हो जाए ना, वो नहीं देखेगा तुमने मेरे लिए जिंदगी भर किए, वो झट बोलेगा तो मेरे लिए क्या किया, झट वो तो उत्तर आता है तो मेरे लिए क्या किया हो। इसलिए जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, जगत में केवल स्वार्थ है, केवल स्वार्थ है। फिर प्रश्न आता है फिर हम किसको सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, क्या हम अपनी आप को ये शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ये शरीर को जो सुख देगा वही प्यारा है और जो शरीर को सुख नहीं देगा हमारे शत्रु है। इसलिए देखना ये शरीर हमें जो चीज मांगती है, बोले गोलगप्पे खाओगे बोले हमको स्थान पर बढ़िया गोलगप्पे चलो, बोले सिनेमा देखने जाओगे चलो घुमा कर लाएंगे, बोले ऐसे साड़ी पहनोगे चलो बल में घुमा करके वैसे साड़ी ला देंगे, हाँ ऐसे क्रीम लगाओगे चलो ब्यूटी पार्लर में चलोगे चलो घर को वही बदल करके सजा करके आते हैं। देखना ये शरीर हमें जो मांगता है ना उसको उसी समय में उसकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन अंतिम समय आया शरीर से पूछा जाओगे साथ में, बोले जब हंसा अकेला भूल जाएगा केवल पिंजरा में पड़ा रह जाएगा। शरीर से जब वो परमात्मा चले जाए, जिस शरीर को इतने बढ़िया साबुन ब्यूटी पार्लर में ले करेंगे इतना कुछ किया, फिर शरीर जाएगा तुम्हारे साथ में, शरीर जहाँ के कहा रह जाएगी सबसे पहले धोखे में। अब दूसरी नंबर रानी तो सबसे सुंदर राजा जिसको दुनिया को दिखाता था, देखो रानी मेरी कितने प्यारी, लेकिन उससे पूछा साथ में चलोगी, कहते चलोगी क्या, मैं देख रहा हूं तू कब मरोगी, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या जगत में सबसे बड़े सुंदर क्या, कहते मैं दूसरे से शादी करूंगी, मतलब क्या आज पैसा हमारे पास पर शरीर छोड़ते ही वो झट दूसरे का नाम पर ट्रांसफर हो जाती, और जिसको पास में जाएगी वही भोग करेगी, वो कहती भैया तेरे साथ में मैं जाने वाला नहीं, मैं तो दूसरे से शादी करने वाली हूँ, मैं दूसरे के पास में चली जाऊँ, कोई भोग करेगा वो भी पैसा भी देगा। अभी तीसरा नंबर है राजा जिसका मीठा मीठा बात सुनता था, मन की बात बोलता था, ये कहती ये कौन है, जिसको पूछा बोले कहाँ तक चलोगी, बोले दरवाजा तक चलूंगी, बोले ये कौन है, बोले ये परिवार वाले हैं जिनको साथ में बैठ करके मन की बात बोलते हैं, दुख सुख बात करते हैं। पहला नंबर पत्नी की आई, पत्नी से पूछा साथ में चलोगी, बोले हाँ चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी, बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तक आगे बढ़ सकती हूँ लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊंगी। परिवार वालों से पूछे चलोगे, बोले क्यों नहीं, तेरे लिए बढ़िया रथ बनाएंगे और उसमें लेटा करके राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य बोलते बोलते ले जाएगी, बोले कहाँ, बोले शमशान तक ले जाएगी, वहीं पर चिता में लेटा करके जला करके ताटा करते करते वहीं से वापस चले आएगी, बोले आगे और नहीं चल सकते। अभी ध्यान देखो सुनो जो काम की बात है, राजा जिसको सबसे ज्यादा जीवन में निगलट कर रखा ये बेकार कोई काम की नहीं, कभी उसको तरफ झाँक कर भी नहीं देखा, कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, लेकिन जब उसको ही पूछा ना वही तैयारी, वही तैयारी भी जाने के लिए, कहते भैया ये चौथी रानी कौन है जीवन में जिसको सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखे, कहते भगवान का नाम, ठाकुर जी की भक्ति है, किसको बोला, अभी बोल रहा था कौन माला लेना चाहते हाथ नहीं उठा,
क्यों? ये रानी को हम सबसे ज्यादा निगलेक्ट करते हैं, लेकिन अंतिम समय जब सैनी छुटेगा यही बोलते बोलते ले जाएंगे। क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोले सत्य है, और सब परिवार छुटा है। बोले बेटा कितने प्रभु का नाम जब किया ना वही जा रही है, इसको जीवन में निगलेक्ट किया था ना यही केवल साथ में जा रही है, और जीवन में जिन जिनियों को तुमने प्यार प्रेम किया वो कोई भी तेरे साथ में नहीं जा रही है। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने ये धन कैसे है? इसलिए मीरा कहती है बोले जन्म जन्म की मुंजी पाई जग में सभी खुवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सफाए। ये धन को कोई नहीं ले सकते, चोर लुट कोई लुटने वाले नहीं, ये धन केवल बढ़े। इसलिए पहले मैंने आपको बताया था एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्त लोगों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में भोजन है। बोले देखो सबके घर में मैं खाना नहीं खाता। बोले किसको घर में खाते हो? बोले जो लखपति, आज से 550 साल पहले लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप क्या तो लाख की बात करते हो स्वर्ण मोहर, फिर हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे? भगवान समझाया बैठा करके, जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी का नाम जप करते, ठाकुर जी की नाम जप करते वही असली लखपति है। अभय तरफ में देखो आप लखपति कैसे बनोगे? आप लोग अमिताभ बच्चन का नाम जानते हो? कौन कौन अमिताभ बच्चन का नाम जानते हो? कुछ दिन पहले टीवी में आता था कौन करोड़पति बने, कौन करोड़पति करोड़पति कौन बने का करोड़पति आता था ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भैया लखपति कौन बनेगा, कौन बनेगा लखपति? ये भगवान समझा रहे हैं। आप मेरे तरफ में देखो आप लखपति कैसे बन सकते हो? देखो ये माला है इसमें 108 मोती है, 108 मोती है। जैसे मैंने आज एकादशी है, हम आज 1 मिनट 5 मिनट नाम जप करेंगे, क्योंकि आज जो एक माला करेगा ना उसको 100 माला करने का फल मिलता है। आज एकादशी का तिथि है। जैसे देखो आपको समझा ये अंगुली को हम टच नहीं कराते, स्पर्श नहीं कराते, क्यों? ये गंदा अंगुल सबसे पहले ये निकलता है, तेरे को देख लेंगे, तेरे को हम देख लेंगे, सबसे पहले ये निकलता है। इसलिए अंगुलों को हम बाहर निकाल करके ये बीच वाले अंगुलों को ऊपर रखते हैं। ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है। ये बीच में राधा कृष्ण को रख करके रास कर रहे हैं, ये माला रूप में ये ठाकुर जी है। इसलिए इसको इसको ऊपर रख करके मेरे साथ में बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार हो गया, एक बार बोलकर उसमें एक मोती अच्छे तरह से समझो, एक मोती सरकाते हैं। फिर दो बार बोल करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर दो मोती सरकाते हैं, देखो कैसे 1,00,000 होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये 16 बार हो गया, एक बार मंत्र बोले 16 बार हो गया। इसमें 108 मोती है। जब यहाँ समाप्त हो जाए देख लो इसको पार मत कर, क्यों? ये राधा कृष्ण है, ये बीच में राधा कृष्ण बांके भी है राधा रानी, इसको चारों तरफ भी रास कर रहे हैं, इसलिए उनको पार नहीं करनी चाहिए, भगवान को पार नहीं करनी। यहाँ इसको ऐसे घुमा लेते हैं, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करते हैं। अगर ऐसे अगर आपने 16 माला कर लिया हिसाब से हो गया 25,000, अगर 64 माला कर लिया ना कितना हो जाएगा? 1,00,000। ठाकुर जी कह रहे हैं बोले तुमने 1,00,000 माला नहीं जप किया, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया भी चुकी हो चुकी। भगवान खुद कहते हैं भैया ब्याज कितना मिलेगी? देखो मीरा कहती है दीन दीन बरत सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 जप किया ना कल तुम्हें 1,25,000 मिलेगी, कितना मिलेगी?
सवा लाख और चार दिन में 2 लाख, चार दिन में 2 लाख हो गया। लेकिन ये संसार का पैसा कमाते कमाते अगर शरीर छूट गया, बताओ साहब में कितना पैसा जाएगा। देखो ये हमारे गुरु जी कहते थे, याद रखो साहब, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, अगर किसी व्यक्ति को बोलो भैया थोड़ा माला जप करो, नहीं बोले बच्चे के लिए कुछ पैसा कमाना है ना, हमारे पास में समय नहीं। गुरु जी कहते थे बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत रखा करो। बोले क्यों? बोले बच्चा हो ना होगा तो कमाएगा, अगर नालायक बनेगा ना, जुआ खेल करके शराब मांस खा करके सारे को साथ लुटाएगा। किसका बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं? जिसका पिता ने जितने पैसा बच्चे के लिए कमा लेते हैं, उसको उसको तो पता नहीं पिता माता कितने कष्ट करके पैसा कमाए, उसको तो पता नहीं जो IPL हो रहा था, मैं कहीं गया था, बोले अरब खराब पति था, बोले 1 मिनट में सारे पैसा जुआ खत्म कर दिया, बाहर पास में आया था, बोले बाबा सारे पैसा हार चले, सारे पैसा। इसलिए बच्चे को हमने कितने संस्कारी बनाया ये बात है, कितना पैसा देकर गए वो बात नहीं, वो 1 मिनट में सारे पैसा को बर्बाद कर देता है। इसलिए ऐसे धन्य कमाओ जो इसी जीवन में इसका मालिक तुम ही बनोगे और अभी जीवन में ब्याज समेत तेरे को मिलेगा। ये धन को कोई नहीं लूट सकते है। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आप आज लगाओ गली राम नाम के हीरे मोती, और जिन जिन ने यह मोती लूटे को सब माला, और माया के जो गने पुजारी आखिर वो कंगाल, आखिर वो कंगाल हुआ। धन लूटा तो ये धन को लूट करके जाओ। बोले भैया लूटना किसने किसने लूटा? बोले तुलसी मीरा और नरसिंहा, उसका प्रमाण दे रहे हैं। देखो तुलसीदास का नाम देखो, मीरा का नाम देखो, हनुमान जी का नाम देखो, जगत में जयकार हो रहा है, अमर हो गए। ध्रुव प्रहलाद का नाम देखो, जगत में अमर हो गए। इसलिए ये धन लूटो जिस धन को किसी जीवन में मालिक, अब अगले जीवन में तुम ही मालिक बनोगे, जिसका मालिक अब कोई नहीं बन सकते हैं। लेकिन ये कौन सा रानी है? चौथा रानी। ये कौन सा रानी है? अगर किसी व्यक्ति को बोला थोड़ा भजन करो, बोले बेकार काम है, जिसका कोई काम धाम नहीं ना, कोई सब माला लेकर हरे कृष्ण करते हैं। हमारे तो बहुत सारे काम है, हमारे बहुत सारे काम है, इसे प्रकार काम के लिए हमारा समय नहीं। भैया जो कुछ बोलो वही साथ में काम तुम्हारी वही आएगा, और कोई काम में आने वाले। अभी आपसे प्रश्न करता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, ये चार रानियों में सबसे ज्यादा किसको प्रेम कर लो? बोलो बोलो, आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो। चार रानियों में सबसे ज्यादा कौन सा रानी को प्रेम करोगे? एक भैया ने उत्तर दे दिया, कौन सा रानी को? जोर से, इसका मतलब क्या है? माला जप करेंगे। क्या करेंगे? माला। बताओ अभी कौन कौन माला जप करना चाहते हैं? हाथ उठाओ, कौन कौन माला जप करना चाहता है? हाँ ठीक है, मैं कल सवेरे में आऊंगा, ठीक है। जो देखा मैंने बताया, 2 तरह का माला देते हैं, जो प्याज लहसुन छोड़ेगा उसको गले में तुलसी करती तुलसी माला देते हैं, जो बोलेगा धीरे धीरे छोड़ेंगे फिर हम उसको नीम माला देते हैं, नीम माला लेकर के उसमें हरिनाम करते रहो, जब ये सब चीज छूट जाएगी फिर तुलसी माला लेकर के भजन करते हो। 7 दिन तक कथा सुने हो? कितना दिन तक कथा सुने हो? कितना दिन तक? 7 दिन तक। तो कुछ ना कुछ तो लेकर के जानी चाहिए ना, खाली थोली से तो नहीं जानी चाहिए, कुछ ना कुछ कथा से लेकर के जाओ। हम इसलिए हम कथा करते हैं, अगर कुछ लोग अगर प्रभु के भजन में लग जाएंगे ना, फिर हम क्या समझेंगे भैया हमारी कथा करना सार्थकता हो गई। आगे कुछ लोग ठाकुर की भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हैं। इसलिए अभी आपको एक माला दे रहे हैं, ज्यादा तो माला है ही नहीं, ये माला जप करके हमें वापस दे देना, ठीक है। अभी माला लेकर के 5 मिनट आज एकादशी, एक माला करोगे ना आपको 100 माला करने का फल मिलेगा। और यहाँ पर कितने भक्त हैं, 340 भक्त बैठे हुए, थोड़ी सी नाम को जोर जोर कर करना, माला तो एक करेंगे लेकिन 400 माला करने का आपको फल मिलेगा। जिनको पास में नहीं जाएगा आप मेरे साथ में करो, मेरे साथ में जप करना फल मिल जाएगी, मेरे साथ में करते रहना आपको फल मिल जाएगी, चिंता मत करो मेरे साथ में करते रहो। और ये माला को कोई लेना नहीं, मेरे को वापस देना, कल सवेरे जो चाहते हो माला करने के लिए अब आकर के 7 बजे आकर के मेरे से माला ले जाना, ठीक है।
सबके सब आंख बंद कर लो, समझो वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी की चरण में बैठे। कहाँ पर बैठे हो? बांके बिहारी जी की चरण में। और बैठ करके शरीर तो यहीं पर रहे और अपना मन को वृंदावन ले चलो, मन को वृंदावन ले चलो। हाँ, सबके सब आंख बंद कर बैठ जाओ और मेरे साथ माला जप करो, फटाफट दे दो माला। जिनको पास में गया अच्छी बात, जो नहीं गया आप मेरे साथ में जप करो। सब बोलेंगे श्री कृष्ण चैतन्य। देखो ये हरि नाम करने से पहले ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जिन्होंने कलयुग में आकर के ये भक्ति को प्रचार किया है, ये चैतन्य महाप्रभु। एक बार बोलो श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्री श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद। अभी मेरे साथ साथ बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बोल सकते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम। देखो सबके सब करो क्योंकि देखो जो हरि नाम करते हैं ना उनको सारे पाप उठते हुए जा रहा है, लेकिन बैठेगा कहाँ पर जो नहीं करेगा, इसलिए सबके सब करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
खूब आशीर्वाद करें।
और आप लोग खूब भलते फुलते रहो और भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा करते रहना। आज की प्रसाद सेवा लाला शिव कुमार गुप्ता, सरोज कुमार गुप्ता, महेश चंद गुप्ता, नरेश गुप्ता, मुकुल मंकी द्वारा परिवार की तरफ से, सचिन गुप्ता और वैद्य कार्मेल स्वामी, ये सब लोग मंच पर आ गए। महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी राधा रानी की बड़ी हुई ना, राधा रानी जन्म लेगी, ये पांचों लोग थे बीच में, थोड़ी सी रास्ता दे देना, उसको पीछे ले जाओ। और राधा रानी किधर से होते हुए आएगी, अभी राधा रानी जन्म लेगी, इसको बाद में करें आरती। और सब के सब आज प्रसाद लेकर जाना, आज भक्तों ने शिवकुमार के लिए प्रसाद की व्यवस्था की। शिवकुमार जी, नरेश जी, नमकीन वाले, सचिन गारमेंट्स वाले, सब आ जाओ, जिनका नाम बोला, जिनका नाम बहुत जल्दी आओ। इसके बाद आचार्य अनुज कौशिक जी, आचार्य अनुज कौशिक जी कृपया मंच पर आए। तुषार जी, आशुतोष है हो गए, आशुतोष है हो गए उत्तर आ जाए मंच पर। शर्मा जी, वशिष्ठ वशिष्ठ कैंपुटर वाले शर्मा जी, गजेंद्र जी, गजेंद्र कैपिस्ट जी शर्मा जी, आप नरेंद्र नारायण जी, प्रमोद जी बैठने वाले, प्रमोद जी के फोर्स वाले जिन्होंने हमारी कथा में सेवा किया है, नरेंद्र नारायण जी, राजेश गौतम जी, राजेश गौतम जी, संटी हलवाई, इनका बहुत बड़ा सहयोग मिला है हमें, अमित गौतम जी, राजेश गौतम, अमित गौतम, संटी हलवाई, ये तीनों मंच पर आ जाए। हरे कृष्ण, ताली बजा दो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राधा पदम भोज रेणु अनास
इसलिए संत लोग कहते हैं अगर कृष्ण को पाना है ना पहले तीन चीजों को अपना और तो कृष्ण मिलेगा नहीं तो कृष्ण बड़े टेढ़े टाट वाले हैं। कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं उनकी भक्ति की बड़ी टेढ़ी की है लेकिन राधा रानी को देखना सीधा है। राधा रानी बड़ी दयालु लेकिन कृष्ण का बोले पहले तीन चीजों को अपना हो फिर जा करके आपको कृष्ण मिलेंगे। बोले भैया तीन चीजें क्या है बोले अन्ना राध्य राधा पदाम भोज रही हूँ जब तक की राधा रानी के चरण को आश्रय ग्रहण नहीं करोगे। बोले दूसरी चीज क्या है बोले राधा रानी की चरण को तो अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक आश्रय नहीं करोगे। बोले सबसे बड़ी चीज क्या है बोले राधा रानी की चरण को जिन संतों ने आश्रय किया है जब तक ऐसे संतों का शरण में नहीं जाओगे बोले भैया कन्या इतने आसानी मिलने वाले नहीं। राधा की कृपा के बगैर कृष्ण आधा है। अगर कृष्ण कृपा पाना चाहते हो राधा की कृपा चाहिए और राधा रानी की कृपा चाहते हो श्री कृष्ण कृपा और कृष्ण कृपा के लिए राधा की कृपा चाहिए। देखो हम लोग तो ये हरे कृष्ण नाम लेते हैं ना ये हरे मतलब क्या है ये हरे मतलब राधा रानी कृष्ण का मन को चित्त को जो हरण करती है वो श्री हरे ये श्रीमती राधा रानी। कृष्ण मतलब कृष्ण हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण 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 राधे राधे पहले राधा का नाम फिर उसके बाद में कृष्ण का नाम। देखो कुछ कुछ लोग कहते हैं भैया वृंदावन में जाओ सबके सब राधा का नाम लेते दुनिया में राधा जी का नाम लेते लेकिन ये भागवत में राधा जी का नाम लेते नहीं